आप सब लोगों को खुश आज के इस सबक नंबर 11 और फिर एक से दस तक की रिवीजन जो हमने प्लान की हुई थी तो इन एक घंटे में हम ये पहला लेसन खत्म करेंगे दस मिनट की ब्रेक होगी उसके बाद फिर रिवीजन एक से लेकर के दस तक आज के सबक में हम इखलास पढ़ेंगे जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने नमाज से शुरू किया है तो नमाज में आमतौर पर जो आखिर में से सूरतें पढ़ी जाती हैं उसमें सूरत भी शामिल होती है और उसके अलावा भी अभी हम देखेंगे आदीस में जो आता है रूटीन में इसको पढ़ते रहना चाहिए हमें ग्रामर में पिछली दफ़ा हमने फेल शुरू किया था और फेल मादी किया था जिसमें हमने फाला जाला, फतेतहा नसारा की गर्दाने की थी इसी में आगे चलते हुए आज हम दराबा समियाँ अलीमा और अमीला की गिरदाने करेंगे तो सोलह नए अल्फाज हैं जो कुरान करीम में एक हज़ार नौ सौ छियासठ बार आए हैं तो इस तरीके से आज का जो सबक नंबर ग्यारह जब मुकम्मल होगा इन तो हम एक सौ इकतीस अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में तीस हजार सात सौ बार आए हैं तो मैं फिर वही कहूँगा कि तीस हजार की जो फिगर है इसको जहन में रखें कि आप को जब तक के ये 131 सौ इकतीस अल्फाज बिल्कुल अच्छी तरीके से याद नहीं होंगे और जो गर्दाने हम करते जा रहे हैं वो याद नहीं होंगी तो ये तीस हजार की फिगर फिर आपके लिए नहीं है इसलिए बेहतर है कि साथ साथ चलते रहें ताकि टारगेट पे पहुंचना हमें आसान हो जाए तारफ पहले सूरत अलखलास का देख लेते हैं जैसा कि आपको पता है कि ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से एक है तो अभी हम जब पढ़ेंगे कुरान करीम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी मक्की सूरतें हैं और बहुत सारी मदनी सूरतें और कुछ सूरतें ऐसी हैं इनके कुछ हिस्से मक्का में नाजिल हुए थे और कुछ हिस्से मदीना में नाजिल हुए थे तो मक्की सूरतों का तौर पे जो मौजू होता है वो तोहीद शर्क के खिलाफ जो दलाइल दिए जाते हैं उनको ताकि उनको समझ आए बात और उनके अकायद की ख़राबियाँ जो दीन इब्राहिमी से हट करके वो बहुत ज़्यादा कई सदियों में दूर चले गए थे उससे और फिर उनके अकायद में आ, मिलावटें और ख़ास तौर से उनके फिर कल्चर में भी बहुत सारी शिरकिया बातें आ चुकी थी उन सब के ऊपर होता है फिर जो जोर होता है वो अल्लाह के नबी के बारे में और क़ुरान जो है अल्लाह का कलाम होने क्योंकि मक्का में अम्बिया नहीं आते रहे जिस तरह यहूद नसारा किया था तो ये लोग वाकिफ भी नहीं थे कलाम लाई से और जो नबी का एक मिशन होता है एक रोल होता है उससे भी ये लोग वाकिफ नहीं थे उस तरीके से तो नबूत के दलायल कुरान करीम के हक होने और अल्लाह की तरफ से होने का के दलायल ये सारे टॉपिक होते थे और ये छोटी छोटी सूरतें हुआ करती थी ज़्यादातर जिसमें एड्रेस किया जाता था मशरकिन मक्का को उसके मुकाबले में जो मदनी सूरतें उनमें हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजू जो है वो माशरती जो अहकाम हैं हलाल और हराम के बारे में आएगा फिर जिहाद के बारे में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टेट बन जाती है जब और उसको रन करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं एक सोसाइटी आ, जो एक माशरा तश्कील पा जाता है उसके लिए जो अहकाम होते हैं फिर आ, उसके हलाल हराम के अहकाम शादी ब्याह के मुतालिक इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसमें आती हैं तलाक़ वग़ैरह के मसाइल ये ये सारी चीज़ें थीं तो ये है इसका कि ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से है और इसका नाम जो इखलास है वो इसलिए है कि जो कोई इसको समझ करके पढ़ ले और इस पर ईमान लाए तो उसका अकीदा खालिस हो जाता है तो ये सूरह जो है ये अकीदे को खालिस करने के लिए जो तोहीद का अकीदा है इसको खालिस करने के लिए ये सूरह अल्लाह ताला ने ना नाजिल फरमाई इसलिए इसका नाम इखलास है आमतौर पर लोग इसका नाम अखलास कर देते हैं ये इखलास है ये जब आगे जागे जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे ग्रामर की कौन सी फॉर्म है ये इसमें लोगों के सवालों के जवाब में ये सूरह अल्लाह ताला नाज़िल की क्यों इसलिए कि ने मक्का अजीब जो शिरद में घिरे हुए थे डूबे हुए थे बल्कि तो वो फेमिलियर थे किस चीज से कि बुत होते हैं कुछ या देवी देवता होते हैं जिनसे मांगा जाता है तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो वो समझते थे कि ये भी शायद ऐसे ही कोई गॉड है जिस तरह उन्होंने तीन सौ सात तीन सौ साठ गॉड बनाए हुए थे जो खाने काबा के अंदर रखे हुए थे फिर कुछ देवी और देवता जो है वो सहन में रखे हुए थे तो वो समझते थे ऐसे ही किसी की तरफ बुला रहे हैं ये वो पूछते थे कि आप किस इलाह की तरफ बुला रहे हैं तो उसके जवाब में फिर ये बेहतरीन जो पॉइंट है अल्लाह ताला की तरफ से आए कि मबूद हकीकी जो है उसको ऐसा होना चाहिए ये खसूसियात और आप लोगों से जो वाकिफ़ हैं आपने कभी डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि सूरत वले में जो एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं किसी हस्ती में अगर आप साबित कर दें देंगे तो मैं उसको अपना गॉड मान लूंगा क्योंकि ये नामुमकिन है कि किसी हस्ती में ये एट्रीब्यूट हो जो इसके अंदर बताई गई हैं अभी हम देखते हैं इसको फिर इसको कहा गया है हदीस में आता है कि ये एक तिहाई कुरान के बराबर है ये सही मुस्लिम की रवायत है कि अबू दरदा रबील बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है तो सहाबा कराम कहने लगे कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है तो अब ये फिर मुफसरीन ने मुख्तलिफ इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरीके से है कि तौहीद है ये और कुरान का जो मौजू है उसके हिसाब से और इसकी जो अहमियत है उसके हिसाब से खैर वो आप तफसीर हमारा मौजू नहीं होता है इस कोर्स में तो हमने इस हदीस में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसके मुताबिक इसकी अहमियत को समझना है कि एक तिहाई कुरान के बराबर है ये फिर अपनी जिंदगी में हमने इसको लेकर के आना है तो हम कैसे लेके आएंगे सबसे पहले देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था इस सूरह के बारे में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हमें पता चल जाएगा इस सूर्य के बारे में क्या है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा हर फर्ज नमाज के बाद एक बार पढ़ते थे आप इसको फिर मगरिब और फजर के बाद तीन बार पढ़ते थे बहुत सारी यादीस हैं इसके ऊपर तो अब हमें भी देखना चाहिए कि कम से कम तो हमारे लिए लिमिट ये आ गई कि हर फर्ज नमाज के बाद एक बार हमने पढ़ना है इसको और मगरिब और फजर के बाद तीन बार पढ़ना है फिर उसके बाद हम अभी आगे देखेंगे कि जो नफिल नमाजें हैं उनके अंदर भी जो दो सूरतें पढ़ते हैं उसमें से एक सूरा ये होती थी नबी नबीम के मामूल में थी तो इससे हमें बात ही क्लियर हो जाती है कि हमको किसकी इबादत करनी है ये कौन हो सकता है अगर कोई हमसे सवाल करे ना आमतौर पर जब हम गैर मुस्लिमों तक पैगाम पहुँचाते हैं या दावा का, का काम कर रहे होते हैं तो उसमें यह होता है कि भाई फला गोड है फलां गोड है फला गौड़ गौड तो ये बेहतरीन जवाब है कि भाई आप जो जो गॉड बता रहे हैं ये वाली जो खासियतें ऐसे बताई गई हैं वो इनमें से किसी में भी नहीं है तो बेहतर है कि आप अल्लाह को मान लें तो सबसे पहले हम इसको सुन लेते हैं और वही बात है जो मैंने कहा था कि अब तक जो अल्फाज हम अरबी में पढ़ चुके हैं कोशिश करें कि उनको अरबी में ही समझें नए जो अल्फाज हैं उनको अभी हम देख लेंगे तो आइए हम इसको सुनते हैं औज बिल्लाजीम बिस्मिल्लाम ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो अब सूरा की पहली आयत देखते हैं अहद कह दीजिए वो अल्लाह एक है लफजी तर्जुमा पहले देख लें कुल कुल के माना है कहो एक वाहिद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब है तो इसलिए तर्जुमा हम करते हैं आप कह दीजिए मगर जब हम अरबी में पढ़ रहे होंगे तो कुल के माना होगा कहो एक किसी फर्द वाहिद को और मुजक्कर को जब अगर हुक्म देना हो या उसको रिक्वेस्ट करनी हो तो कहा जाएगा कुल तीन सौ बत्तीस बार तो यही आया है डॉक्टर साहब ने बता दिया कि कुल का लफ्ज कुरान में तीन सौ बत्तीस बार आया है फिर इसी फेल की जो किस्में अगर उसको देखा जाए तो काला ये इसका फ़ेल माजी है पाँच सौ तीस मरतबा यह आ गया है काला का मतलब होता है उसने कहा कुरान करीम पढ़ते हुए बहुत जगह आएगा का हमें काला काला फिर इसी की जमा आ जाती है कालू तो कालू जो है ये भी तीन सौ बत्तीस मरतबा आया है काला उस एक मर्द ने कहा और कालू उन सब मर्दों ने कहा ठीक है अब तो हमें थोड़ा थोड़ा फेल माजी सीखते जा रहे हैं ना तो आसान हो जाएगा अभी इनशाला तो आप देखें कितनी अहम है ये कि कोई एक हजार से बारह मरतबा तो सिर्फ ये तीन फेल ही आ जाते हैं कुरने करीम में हुआ और अल्लाह ये हम पढ़ चुके हैं वो अल्लाह अहद इसको देख लेते हैं अहद का एक माने तो यही होगा एक अकेला बल्कि यकता के माने में भी आता ही है। ये जो माना है ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है जब अल्लाह ताला के लिए अहद कहा जाएगा तो उसका माने होगा कि अकेला हाँ अकेला यकता वाहिद ये सारी चीजें हाँ कहीं और इस्तेमाल होगा जैसे इसी सूरा में अभी हम आगे जाकर देखेंगे तो कहीं और इस्तेमाल होगा तो आमतौर तो पे वो नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है और कोई एक के मान में आएगा कि कोई एक भी नहीं इस मानो में आएगा नफ़ी के लिए इस्तेमाल हो जाता है वो कोई एक तो कोई एक अगर कहा जाएगा या सवाल में पूछा जाएगा कि कोई एक तो फिर वहाँ पे अहद का इस्तेमाल हो सकता है मगर वो तो इस्तेमाल फिर अलग तरीके से होगा और उसका माना होगा कोई एक जबकि अल्लाह लिए अहद के माना है एक अकेला और यकता कुरान करीम में चौहत्तर बार ये लफ्ज आया है और इन दोनों मानो में आया है जो मैं बता रहा हूं आपको तो इसके बाद हम जो अः इसबाक इससे लेंगे कि जब कहा गया कि कुल वाह अहद तो अहद को पहचान ले जरा कि वो किन चीजों में अकेला है या किन चीजों में यकता है सबसे पहले तो जात में कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है अब वो सारी नफी हो गई कि उसका नाउबल्ला कोई बेटा कहे या कुछ और कहे वो सब नफी हो गई क्योंकि जात में अकेला है अभी इसी सूरा में हम पढ़ेंगे कि उसको किसी ने पैदा भी नहीं किया है और ना उसने किसी को पैदा किया है ये भी अभी आ जाएगा फिर सिफात में भी यकता है यानी जो सिफात अल्लाह ताला की है उस जैसी सिफात किसी और में हो ही नहीं सकती है तो उस जैसा कोई देख नहीं सक सुन नहीं सकता गैब नहीं जानता मदद नहीं कर सकता वगैरह वगैरह बहुत लंबी लिस्ट है जो सिफाती नाम अगर हम देख लें अः नाम अल्लाह ताला के तो वो सारी सिफात जो है वो किसी और के अंदर उस जैसी सिफात हो नहीं सकती है फिर हकूक में कि ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसको सजदा किया जाए और उसकी इबादत की जाए उसका कानून माना जाए वगैरह ये सारी चीजें जो है ना ये अल्लाह तकूक में आ जाते हैं इख्तियार हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है कोई और अल्लाह ताला के मुकाबले में ना किसी चीज़ को हराम कर सकता है ना किसी चीज़ को हलाल कर सकता है फिर कानून साजिश को असल में शरीयत साजी कहते हैं कि शरीयत साजी का हक भी अल्लाह को है कोई और उसके मुकाबले में शरीयत के जो कवानीन है वो नहीं मुरतब कर सकता है ये चीज़ें सिर्फ अल्लाह का हक है तो ये बहुत ही मुख्तर सी चीज़ें लिखी हुई इसको चार चीज़ों से हम याद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला किन चीज़ों में यकता है जात सिफात हुकूक और इख्तियार तो अब हम वही जो हमारा तरीका है कि कोई भी आयत हम पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर उसका गौर व फिक्र करेंगे उसमें मुताल करने के बाद और फिर दुआ करेंगे एहतसाब प्लान और फिर उसी की तबलीग तो ये एक दफा फिर देख लेंगे इसको पढ़ के हमें क्या दुआ करनी कि अल्लाह मुझे तोफ़ी अदा करके मैं इन सब चीज़ों में तुझे यकता मानूं फिर एहतसाब करें कितनी मरतबा मैंने नफ्स की मानी या शैतान शे, की मानी क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ही जो है वो मेरा मालिक है बादशाह है सब कुछ वही है फिर उसकी नाफरमानी करते हुए अपनी नफ्स की अगर मैं मान रहा हूँ या शैतान के कहने पर चल रहा हूँ तो इसका मतलब है असल में मैं नहीं मान रहा हूँ तो ये अपना एहतसाब हो गया फिर फौरन प्लान बनाए कि नफ्स और शैतान की इत से निकलने का मनसूबा बनाना है कि किस तरीके से मैं इससे बचूंगा और ये अपनी तरबियत करने की ज़रूरत होती है इससे कि किस तरह से हम उन नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करें और शैतान जिन चीज़ों की तरफ हमें लेके जाना चाह रहा है उससे कैसे बचें उसके बाद इसी चीज को दूसरों तक पहुंचाना है जिसको हम तबलीग कहते हैं ये चार चीजें हो गई तो आइए सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले हम कुल कह दीजिए अहद वो अल्लाह एक, एक है ये दोनों लफ्ज तो मैं बता चुका हूं पहले आपको कि अलिमु आप सब सिखाइए और उग आप सब लिखिए एक दफ़ा फिर बता दूं ये कि बहुत सारे लोग नोट्स नहीं लेते हैं बाद में फिर हमें फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं तो प्लीज़ नोट्स लेते रह रा मैंने हमेशा बताया कि इस लेक्चर के दौरान किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है किताब अपने टाइम पे खोलिएगा मगर नोटबुक खुली होनी चाहिए पेन हाथ में होना चाहिए कि जो चीज़ें हम स्लाइड में दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं उनके नोट्स लेते रहें साथ साथ ताकि बाद में जब आप होमवर्क कर रहे हो उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो और तैयारी जब कर रहे हो अः इम्तान की उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको दूसरी आयत बे न्याज है असमद यही एक लफ्ज नया आ रहा है इसमें इसको देख लें असमद अल्लाह ताला का सिफाती नामों में भी आता है तर्जुमा हम कर देते हैं इसका बेन्याज ये तो तर्जुमा हो गया मगर इसका मफहम समझ लें असल चीज इसका मफहम समझने की ये तर्जुमा तो हो गया जैसे हमने रब का तर्जुमा तो कर लिया था परवरदिगार या पालने वाला मगर हमने रब का मफहम सीखा था इसी तरह इलाह का भी हमने तर्जुमा तो सीख लिया था मगर उसका मफहम समझा था फिर हमारा तोहिद का तोहहीद कालियर हुआ था कि रब और अलाह का क्या इसी तरह से असमद का भी कॉन्सेप्ट जो है ना उसका मफह ये समझ लें कि असमद क्या है बेनियाज क्या मतलब हुआ है इसका कि वो किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज है यह उसकी बेनियाजी जो हम बात करते रहे पहले भी हमने की कि भाई इस जमीन में जो जो कुछ मखलूकत हैं अगर वो सब अल्लाह ताला की इबादत करें फरमा बरदार हो जाए मुती हो जाए अल्लाह ताला की ज़ात कोई फर्क नहीं पड़गा इसी तरह अगर सारी मखलूक जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत ना करें नाफरमानी भी उतर आए तो भी अल्लाह तला की ज़ात को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो बेनियाज है इन चीज़ों से ठीक है तो ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला और भी किन किन चीजों से बेनियाज है यानी कि जो इंसानों को हमें समझ में आती है कि कोई थक जाता है ठीक है तो अल्लाह ताला थकता नहीं है अल्लाह ताला को नींद नहीं आती ये हमारी रिक्वायरमेंट है जानवरों की इंसानों की दरख्तों की कि इनको सोने की जरूरत है अल्लाह ताला को किसी की भी जरूरत नहीं है और सब लोगों को उसकी जरूरत है यानी कि अल्लाह ताला को हेल्पर तो नहीं चाहिए ना कोई मगर कोई और कोई काम जो है अल्लाह ताला की हेल्प के बगैर कर नहीं सकता है तो दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह अपनी तमाम मखलूक की जरूरत जिस तरह तू मेरी जरूरतों को पूरा करता रहा है आइंदा भी पूरा कर तस्वुर कीजिए कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूक की जरूरतों को पूरा कर रहा है इस तरह अल्लाह की अजमत को जेन में रखते हुए इस आयत को पढ़े तो अब हम जब अल्लाह समझ कहेंगे ना तो हमें उसकी हाँ बेनियाजी जो है उसका अंदाजा होना चाहिए कि क्या मफहम बन रहा है इसका प्रैक्टिस कर लें इसकी इसी तस्वर एहसास और दुआ के साथ अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। अल्लाह बेनियाज है अल्लाहु बेन्याज। तीसरी आयत है लम यलिद वलम यूल ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया ये जरा बामावरत तर्जुमा हुआ, हुआ है अगर आसान उर्दू में हम इसका तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि उसने किसी को पैदा नहीं किया है और उसको किसी ने पैदा नहीं किया है ठीक हो गया अब इसको समझ लेते हैं किस तरह से है। हमने जब ला पढ़ा था तो हमने कहा था कि नफ़ी के लिए चार लफ्स आते हैं एक ला है एक माँ है एक लम है और एक लन है ठीक है ना और वहां पे हमने फर्क बताया था कि लम और लन में क्या फर्क है तो अभी यहाँ पे आ गया लम इसका मतलब है इसका तर्जुमा तो नहीं हो जाएगा मगर क्या मानी होगा डेड नॉट यानी कि पास्ट में चला जाएगा ये तीन बार कुरान में आया ये तो ये देख लें दूसरा जो हमने पढ़ा था लन विल नॉट ये फ्यूचर के लिए था हरगज नहीं फ्यूचर के लिए भी और जरा ताकीद के साथ के नहीं एक सौ छह बार कुरान क़रीम में यह आया है तो अब देख लें हम लम यलिद।, यलिद क्या है उसने जना ठीक है ना ग्रामर में हम जब आगे जाके देखेंगे जब फेल की और किस्में पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन सी किस्म थी अभी तो हमने ये किस्म पढ़ी नहीं है इसलिए अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी सिर्फ इसको नोट कर लें कि लम यलित मानिए उसने नहीं जना बस उसने नहीं जना इसके मानी ये है अभी ग्रामर में आगे जा करके इंशाल्लाह जब हम पढ़ लेंगे फेल मुजारे और उसमें तब्दीलियां पढ़ लेंगे तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी बस इसको जहन में रखें ये बात उसके बाद है वा, लम और नहीं ठीक है यूल आ जाता है आगे देखें अच्छा ये इसका जो मादा है ना वाओ लाम और दाल ठीक है इससे उर्दू में भी अल्फाज और अरबी में भी आते हैं वालिद, वालिदा, वाले औलाद विलादत और मिलाद अरबी में मोलूद कहते हैं व लम तो यही हो गया वाह का मतलब और है लम यही वाला लम आ गया यूल ये भी देख लें यद से जब तब्दील हुआ है ये यूलद तो क्या हुआ है ये ये उर्दू और इंग्लिश में भी एक्टिव वाइस और पैसे वाइस हम पढ़ रहे होते हैं ना ये वही चीज है कि ना उसने किसी को जना ये पास्ट में हो गया और ना जना गया ठीक है ना तो ये देख लें यली दो है उसने जना एक्टिव वॉइस में आ गया यू लो वो जना गया पैसे वॉइस में हो गया ठीक है ना इंग्लिश में इस तरह कहते हैं बिगट ठीक है ना मफहूम क्या है ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है ये मैंने पहले आपको बता दिया था फिर औलाद के होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है इंसान औलाद की ख्वाहिश करता है औलाद होने पर फख्र करता है खुश होता है वगैरह सारी चीज़ें किस लिए होती हैं हमें हम खुद कमज़ोर है ना तो हमें औलाद से स्ट्रेंथ मिलती है अल्लाह ताला बेनियाज है अभी हमने देख लिया उसको जरूरत ही नहीं है इसकी औलाद की कोई क्यों जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं जब इंसान बूढ़ा जाता है तो बच्चे उसका सहारा भी बनते हैं जब इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका दाम और काम दोनों चीज़ों को जारी रखते हैं अल्लाह ताला त सारी कमजोरियों से पाक है इसलिए उसको औलाद की जरूरत नहीं है ना वो थकता है ना वो बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला वो किस लिए औलाद ये इंसानी जहनों से लोगों ने सोचा कि हमें भी चाहिए होता है और हमें हम भी फख्र करते हैं इस पर तो अल्लाह ताला को भी साहेब औलाद समझना शुरू कर दिया बिल्ला उन्होंने तो ये गुमराही है पैगाम क्या ईसायत को पढ़ते हुए इस पैगाम को 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुँचाना है क्योंकि ईसाई हाँ वो बिल्ला समझते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है तो ये गलत अकीदा है और सख्त कुफर है ये अकीदा तो हमें उन लोगों तक ये बात पहुंचानी है प्रैक्टिस कर लें इसकी लम यित ना उसने किसी को जना, ना किसी को जना। लम यूलद लम यूलद और ना वो जना गया आखिरी आयत इसकी वमय कुफुवन अहद और नहीं है उसका हमसर कोई व लम यकुन व लम तो यही दोनों हम पढ़ चुके हैं और नहीं यकुन जो है ये भी जब हम आगे ग्रामर में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि ये इसकी असली फॉर्म क्या थी ग्रामर में और फिर ये यकुन कैसे बन गया ये आगे जाके पढ़ेंगे अभी इस लेवल पे सिर्फ याद कर लें कि ये यकुन जो है लम यकुन बल्कि इसके माना होगा नहीं है बस अभी इस लेवल पे इतना ही समझ लें आप लम इसके माना नहीं है लहू हमें आता है उसका उसके लिए ठीक है पूरी गर्दान कर चुके हम लहू लहूंगी वन, कुफू ये आजकल उर्दू में जरा कम इस्तेमाल होता है इसके माने हैं हमसर या बराबरी का और आमतौर पे जब कोई शादी ब्याह के लिए कोई रिश्ता प्रपोजल की बात हो रही होती है तो वहां पे कहा जाता है कि कुफू का ख्याल रखा जाए तो कुफू क्या होता है वो वही बराबरी है कि लड़की का खानदान और लड़के का खानदान तकरीबन हम पल्ला हों इस तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाए ये आमतौर पर बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि कुफू का ख्याल रखा जाए ठीक है ना तो कुफुवन हमसर या बराबरी का ठीक है अभी आ गया अहद ये मैंने शुरू में जो आपको बताया था कि यहाँ पे होगा कोई एक ठीक है ना यहाँ पे वाहिदता नहीं होगा तर्जुमा कोई एक होगा और नहीं है उसका हमसर हमसर कोई एक भी ये समझ लें तो अहद के दो मायने हमने सीख लिया आज अल्लाह ताला तकता और कहीं और पे इस्तेमाल होगा तो कोई एक ये देख लें कुल हु अहद में आया एक सिर्फ अल्लाह के लिए ये और यहां पे आया है कोई एक और मनफी मानों में है ये देखें शुरू हुआ, हुआ है जुमला ये नहीं कोई एक ठीक है एकबाक क्या है कि अल्लाह की अजमत का हमारे दिलों में एहसास इस तरह से होना चाहिए और हम अल्लाह ताला की अजमत को इस तरह महसूस करें कि उसके करीब तो क्या दूर दूर भी कोई और हस्ती नजर नहीं आए ना ज़ात में ना सिफात में ना हकूक में ना इख्तियारत में इस तरह से हमारे दिल में अल्लाह ताला की अजमत होनी चाहिए सोचिए क्या मेरे जहन में कोई और भी इससे में डरता हूं अब ये सवाल डॉक्टर साहब ने जो दिया ये सोचने वाली बात है कि क्या मैं किसी और से उम्मीद रखता हूँ क्या किसी और को ताकतवर समझता हूँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो यानी कि फिर मैं अल्लाह ताला से नहीं डर रहा हूँ किसी और से डर रहा हूँ अल्लाह से ज्यादा उसको अहमियत दे रहा हूं मैं अब चाहे वो जिसको अहमियत दी जा रही है वो मेरा अपना नफ्स हो जाए शैतान हो जाए या कोई इंसान हो जाए मेरे खानदान में कोई बड़ा हो जाए मेरा कोई बॉस हो जाए कोई रिश्तेदार हो जाए बिरादरी हो जाए या सोसाइटी हो जाए उन सब में से जिसको भी मैं बड़ा समझूंगा फिर अल्लाह के मुकाबले में उसकी इत हो रही होगी तो ये अपने आप को समझाने की जरूरत है जब भी कोई ऐसा मौका है और तकरीबन रोजाना आता रहता है ऐसा मौका तो उस उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि नहीं मैं सिर्फ अल्लाह से डरूंगा दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जाए यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे अगर अल्लाह ताला मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो मुझे किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है ना किसी से उम्मीद रखने की जरूरत है प्रैक्टिस कर लें यकुन और नहीं, और नहीं है लहू, लहू उसका, उसका पुफुवन पुफुवन हमसर अहद आहद कोई अच्छा इस सूरह को जो है ना हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत से बार बार पढ़ना चाहिए ये नहीं कि बस अच्छा छोटी सूरा है तो जल्दी से पढ़ लेंगे नमाज में इस नियत के साथ नहीं पढ़े इसकी अहमियत को महसूस करते हुए हम इसको पढ़ें कि भाई ये इतनी मुख्तसर मगर एक तिहाई कुरान के बराबर आए थे तो इसकी अहमियत की वजह से मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों के अंदर पढ़ूं ये, ये कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए एक सहाबी का वाक़ा जो आदिस में आता है यहाँ पे इन्होंने तिरमी से रवायत की है मगर ये और किताबों में भी है वो क्या करते थे सहाबी के सूरतुल्फात को हर रिकत में पढ़ते थे यानी वैसे तो हरकत में सॉरी uh, सूरत अखलास को सूरतिया तो हमारे कहते हैं पढ़ते ही है ना वो क्या करते थे कुछ और हाँ सूरतलफातिया के बाद पहले सूरत अखलास पढ़ते थे उसके बाद कोई और सुरा भी पढ़ते थे अच्छा अब जो उनके पीछे लोग नमाज पढ़ते थे ये मदीना से बाहर की बात है तो उनको इतराज हुआ इस पर अच्छा वो सबी जो थे वो थे इतने अच्छे इल्म वाले भी और इतनी अच्छी तबीयत वाले भी नेक भी कि वो चाहते भी नहीं थे कि इनकी जगह किसी और को इमामत के लिए खड़ा कर दिया जाए कुरान भी उनको बहुत अच्छा आता था किराद भी बहुत अच्छी थी और नेक भी थे तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप ये वाली सूरज जो है ना वो क्यों हरकत में ये वाली क्यों पढ़ते हैं सूरतिया के बाद सूरत अखलास भी पढ़ लेते हैं तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इसी तरह पढ़ूंगा अगर तुम लोगों को नहीं पसंद है किसी और को इमाम बना लो ये मुकदमा पेश हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह के आदि में आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप देखें इसमें बहुत समझने की जरूरत है कि सबसे पहली बात तो यह हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही नहीं फतवा दे दिया कि जी वो गुमराह हो गया है मैंने तो ऐसा तरीका नहीं सिखाया था ये इसने क्या कर दिया है उन्होंने क्या किया उनको बुला करके सवाल किया कि भाई क्यों करते हो ऐसा उन्होंने क्या जवाब दिया देखें आप कि मुझे इस सूरह से बहुत मोहब्बत है अब यह उनका अपना फेल था उन्होंने कोई बिदत जारी नहीं कर दी थी कि सब लोग करना शुरू कर दें इसको उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सब लोग किया करें बहुत अच्छा फेल है वगैरह कुछ भी नहीं बस उन्होंने कहा कि जी मुझे मोहब्बत है तो ठीक है तो नबी नबीम ने क्या फरमाया कि इस सूरह से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया अब ये बात भी आज के दौर में हमारे समझना बहुत मुश्किल काम है कि उस सूरह से मोहब्बत किस तरह से उस उन साहबी को इतनी हो गई थी वो थे जिन्होंने शिरक का वक्त देखा हुआ था 360 बुतों से हट करके एक पे आ गए थे और ये चीज जो है ये हमारे पड़ोस में क्या हमारे अपने मुल्क में भी बहुत सारी हिंदू बिरादरी है उनसे पूछें जब 3000 से ज्यादा गॉड से छूट करके वो सिर्फ एक अल्लाह के साथ जुड़ते हैं तो उनको कितनी अः नहीं मुश्किल तो पहले था मगर फिर अहमियत का एहसास कितना होता है खुशी कितनी होती है कि कहते मैं कहाँ कहाँ भटक रहा था और अब एक अल्लाह के साथ जुड़ गया हूँ मैं तो ये इसकी अहमियत का एहसास वही कर सकता है जिसने हालत शिरक में बहुत सारे खुदाओं को देखा ठीक है ना तो ये ये बात समझने की जरूरत है तो अगर हमें भी से मोहब्बत हो जाए तो क्या मतलब हुआ कि फिर जन्नत में दाखले की उम्मीद होगी हमें इन कैसे जैसे आप किसी पहली बार मिलते हैं तो आप कैसे मुतासर होते हैं ये अब ये समझने वाली बात है कि किसी से मिलते हैं तो हो सकता है अगर वो बताए कि जी मैं तो ये ये काम मैंने किए हुए हैं मैं फलां का रिश्तेदार हूँ ये तो उसकी अहमियत जो है ना आपकी उन चीजों से समझ आती है हमें तो हमें इस सूरह से जो है ना मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देगा तो मोहब्बत से बार बार पढ़िए वलम यकुल कुफुवन अहद के उसके जैसा कोई नहीं है कैसे ना माफ करने वाला है ना जरूरत पूरी करने वाला है और मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है तो इन सारी चीज़ों में जो अल्लाह ताला करता है कोई नहीं कर सकता है कोई वैसी मोहब्बत नहीं कर सकता कोई उस तरह से केयर नहीं कर सकता है। और अल्लाह ताला के जो निन्दानवे नाम है हर सिर्फ में उसके जैसा कोई नहीं है न था न है न होगा ये हमने अपने जहन में बात को बहुत क्लियर रखना है शिर्क की और दूसरी गुमराहियों में गंदगी और गुमराही पर गौर कीजिए और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि उसने साफ पाक और सच्ची बात हब तक पहुंचा दी कि इस कायनात का मालिक कौन है अब हम गुमराही के अंधेरे में नहीं है पता जरूर है अब सिर्फ उसको मानना है और उस पर अमल करना है ये बहुत बड़ी आसानी है हमारे लिए वो हमसे क्या चाहता है वो कैसा है अगर खुदा ना खास्ता मुझे पैगाम ना मिलता तो मैं ख्याल की गंदगी और गुमराही के ढेर में लड़ता रहता या परेशान रहता जिस तरह का आता है कि कभी एक दिन पे आ गए फिर देखा नहीं ये दिन ठीक नहीं है दूसरे पे आ गए करते करते बड़ी एफर्ट्स करके तो फिर पता चला कि अच्छा नहीं ये असली दीन है दीन इस्लाम और इस पे आए तो अल्लाह का शुक्र है हमें तो अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा भी कर दिया माशरा भी हमारे सोसाइटी में आम है वो मुसलमानों की है तो अब हमारे लिए इस पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है ये बात हमें समझनी चाहिए तो इसलिए कोशिश कीजिए कि तोहिद की सूरह को पढ़ते वक्त दिल शौक मोहब्बत और अजमत से भरा रहे इस एक अल्लाह के पैगाम को फैलाने का प्लान भी बनाइए अब ये हमने प्लान बनाना है हर शख्स अपनी अपनी इस्तदाद के मुताबिक देखे कि किस तरह से और कहाँ वो इस पैगाम को पहुँचा सकता है अच्छा ये लास्ट वीक मैंने बताया था कि आज जब हम कंप्लीट करेंगे तो अगली क्लास में वर्कबुक जो है वो सबक नंबर एक से ग्यारह तक हल करके जमा कराएंगे कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया जो दूर है जाहिर सी बात है कोविड की वजह से हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो अब हमने ये फैसला किया है कि जो लोग पिंडी इस्लामाबाद एरिया में है वो तो जमा करा दें अपनी हो जो वर्कबुक है और चेक भी करा लें यहाँ आई में जो बाहर के लोग हैं वो एक ही दफ़ा जब पूरे बीस लेसन की हो जाएगी वर्कबुक उस वक्त चेक करा लें तो अभी साथ साथ मगर करते रहें ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाएंगे जी अच्छा वर्कबुक तो करनी ही नहीं है वर्कबुक करनी ज़रूर है आपने चेक करानी है वो हम देखेंगे फिर एंड पे किस तरीके से चेक करानी है मंगवा के चेक करानी है कोई ऑनलाइन चेक करेंगे क्या प्रोसीजर होगा वो एंड पे मैं आपको बता दूंगा इन शाला वर्कबुक साथ साथ करते रहें जो लोग पिंडी इस्लामाबाद रीजन में हैं वो जमा कराएँ चेक कराएँ क्योंकि इसके मार्क्स हैं मैंने बताया था और जो लोग पिंडी इस्लामाबाद रीजन से बाहर हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है कि वो आखिर में एक दफा चेक करा लें ये सबने नोट कर लिया है ये भी याद रखें कि अब अगला जब संडे आएगा 11 अप्रैल को इंशाल्लाह तो हम लेसन नंबर 12 करेंगे और मिड क्विज होगा लेसन नंबर एक से लेके 11 तक का और यही टाइम हमने चेकिंग वर्क बुक का दिया हुआ था आपको तो इसको जहन में रखिए आज इंशाल्लाह अभी हम ब्रेक करेंगे ब्रेक के बाद रिवीजन करेंगे लेसन नंबर एक से लेकर दस तक क्यों लेसन जाएगी एक से दस तक की रिवीजन जो है, मैं ब्रेक के बाद करवा दूंगा आपको तो अब हम पढ़ते हैं आज की जो ग्रामर है जिस तरह मैंने पहले बताया कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे है फेल माजी पिछली दफा हमने पढ़ लिया था उसी फेले माजी में कुछ और फेल और पढ़ लेंगे वर्ब्स जो पास टेंस वाले थे उनमें कुछ और वर्ब्स ऐड हो जाएंगे चार और हो जाएंगे ग्रामर हम वही टीपीआई के साथ करते हैं कि सुनिए, देखिए सोचिए बोलिए बताइए दिल से कीजिए और मिलके कीजिए बस ये याद रखें कि ये टीपीआई की टिप्स हैं हमारी अल्फाज के किस्में वही दो दो, दो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसम की जो पहचान थी शुरू में अल होगा या आगे तनवीन होगी जमा में वानून या नून या अलिफ ता होगी मोनस में यह हम सीख चुके हैं उसके बाद इसम के बारे में दो बातें हमने सीख ली थी कि या तो कोई नाम होगा या उसकी सिफ्ट होगी फेल के बारे में दो बातें इससे काम के करने या होने का पता चले किसी भी काम के करने या होने का पता चलेगा और उसमें जमाना भी पाया जाएगा तो इसमें से तो पहली किस्म जो है फेल माजी हमने सीख ली है कि पास्ट जमाना क्या हुआ पास्ट हो गया इसके अंदर और किसी काम के करने का पता चल रहा था उसने किया उन सब ने किया आपने किया मैंने किया हम सब ने किया इस तरीके से तो काम के करने का पता चल रहा है हर्फ हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जुमले में आता है इसम और फेल को मिला करके जुमला मुकम्मल करने के लिए ताकि मफहम मुकम्मल हो जाए अब ये चीज जरा समझ लें अभी तक हमने जो ज़मायर पढ़े थे प्रोनाउन पढ़े थे उनकी हमने प्रैक्टिस भी की जैसे ये ज़मायर थे हु का, ही, कुम, और ना ये वो वाले हैं जो अटैच्ड वाले हैं इनकी हमने प्रैक्टिस की हरूफ जर के साथ भी की और असमा के साथ भी की इसमें हमने रब के साथ की किताब दीन इंदा इन सब असमा के साथ हमने इसकी प्रैक्टिस की हर्फ में हमने क्या किया ला, मिन, फी अला इला इन इन सब के साथ हमने प्रैक्टिस कर ली इन सब में क्या हो रहा था जमायर एक लगाए जा रहे थे ताकि किताब है तो अब किसकी किताब है ये पता चल जाए उसकी है मेरी है उन सब की है इसी तरह जब हर्फ के साथ हम जमायर लगा रहे थे, तो हो रहा था किस से है ठीक है ना या किसके लिए है किस में है ठीक है जब हमने कहा कि अल ही देखे उस, देखे उस देखे। पर तो आ गया ना उस वो सब आप में ये सब लग गया ना इसके साथ जो फेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज इसको जरा समझ लें आज अंदर आसानी हो जाएगी आपको जो फेल है इसके अंदर ये यही वाले जमायर छुपे हुए होते हैं जो फेल है उसमें ये वाले जमायर छुपे हुए होते हैं जो पहला वाला था हुआ और हु था ना वो इसके अंदर छुपा हुआ है क्यों फायला का तर्जुमा हम कब क्या करते हैं तर्जुमा ये करते हैं उसने किया तो हुआ फाला पहले दिन मैंने बताया था ना कि फाइला और हुआ फाइला एक ही चीज है इसलिए कि वो हुआ उसमें छुपा हुआ है ब्रैकेट में लिख से लिक देते हैं आमतौर पर उसको बात क्लियर हो गई इसम और हर्फ के साथ वो जमायर लगाने पड़ते हैं दिख नजर आते हैं वो यहाँ पे छुपे हुए हैं फाला और फालू में अच्छा बाकी फालता फालतू फालतू फालना में भी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं है इसमें भी छुपे हुए जैसे फालता में अंता छुपा हुआ है ताम अगर थोड़ी सी नजर आ गई ना इसी तरह फालतू में अना छुपा हुआ है तो ये पेश जो है ना ता के ऊपर ये बता रही है कि मैं हूं फालतू ठीक है ना फाल तुम।, का तुम नजर आ रहा है इसमें ये भी अंतुम भी छुपा हुआ है कि आप सब हो गए इसके अंदर फिर फाल ना इसमें वही नहनु वाला ना नजर आ रहा है ये छुपा हुआ नहीं है तो क्या पता चला कि वो जमायर इन दोनों में तो छुपे हुए हैं मगर इनमें थोड़े थोड़े नजर भी आ रहे हैं तो फेल हम कोई भी लेंगे उसमें कोई ना कोई जमीर या तो थोड़ा सा नजर आ रहा होगा प्रोनाउन में या छुपा हुआ होगा इसको समझना जरूरी है अब एक और अगर इसके साथ हम प्रोनाउन लगाएंगे तो फिर दो प्रोनाउन बनेंगे वो आगे जाके सीखेंगे हम इन ठीक है ना कि फिर वो क्या होता है सही तो है अभी बस इसको समझ लें कि फेल माजी में जितने भी फेल हमने पढ़े उनमें एक एक जमीर छुपी हुई होगी एक प्रोनाउन छुपा हुआ होगा इसके अंदर जो कहीं पे बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा होगा कहीं पे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा ये हमने उस दिन पढ़ लिया था कि फेल जो है अक्सर तीन हर्फ से बनते हैं जैसे फाला फतः नसारा दराबा हमने बनाया किससे फा एन लाम से फाता हा से, से नून सौदरा से और दादरा बा से इनमें फिर कुछ एडिशंस होती हैं वो आगे जाके हम पढ़ेंगे बुनियादी फेल ये तीन रूफ के ही होते हैं ठीक है तो उनको हम फा एन लाम से पहचान लेते हैं यानी फता में फा कलमा जो है वो क्या है फा आन कलमा क्या है फताह में ता आ गया लाम कलमा क्या है फता में हा आ गया अब नसारा का आप बता दें मुझे नसारा में फा कलमा क्या है नून ठीक है फा पहला वाला है ना अच्छा फिर नसारा में ऐन कलमा क्या है सौद दरम्यान वाला हो गया और नसारा में लाम कलमा क्या है रा अब ये बात क्लियर हो गई तो मादे के हरूफ क्या हुए फा ऐन लाम फा ता नून सौद रा दौद रा बा ठीक है फिर हमने उस दिन बात की थी कि फेल की जो तीन किस्में हैं सबसे पहला परफेक्टेंस यानी कि जो हो चुका है वो हो गया फेल मादी ठीक है ना पास्ट उसके बाद हमने कहा इम परफेक्टेंस जो अभी तक नहीं हुआ है या तो हो रहा है या होगा तो उसको हमने कहा फेल मुदारे यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मुदारे में आ गया ये बात उस दिन क्लियर हो गई थी इसको भी याद रख लेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है हो रहा है या होगा फिर तीसरी किस्म जो हमने फेल अमर की पढ़ी हुक्म देना या गुजारिश करनी ये हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं हमने इहदी पढ़ा फिर आज भी हमने कुल पढ़ा कह दीजिए ठीक है इस तरीके से तो फेल माजी क्या है पास्ट टेंस वर्ब का पास्ट टेंस जो हो चुका अब इसकी एक दफा हम रिवीजन कर लें जल्दी से फाला उसने किया, किया। फालू उन सबने किया फालता आपने किया फाल मैंने किया फाल आप सब ने किया फालना हम सब ने किया क्लियर हो गया ये इसमें बल्कि मोन्नस भी हम आगे जाके ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह गर्दान में अपनी अभी फिलहाल सिर्फ हमने मुजक्कर रखे हैं एक चीज इसमें याद रखने वाली जो है ना कि फालता और फालतू में अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं तो इसको डॉक्टर साहब ने कैसे आसान किया हुआ है कि आप याद रखें जब आप फाला फालतू करते हुए फालता के बाद फालतू पे आए ना तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर हो रही होगी तो इससे याद रख लें कि इस क्लास में सबसे फालतू मैं हूं इससे याद रख लें कि फालतू ठीक है क्लियर हो गए इससे याद रखेंगे हम चले एक दफा इसको बगैर तर्जुमे का कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं फाला फालू फालता फालतू फालतुम सामने सामने जा रहे साइड में नहीं हो रहा भाई सामने फालना सवाल जवाब में हमने उस दिन प्रैक्टिस कर ली थी इसकी एक दफा फिर देख लेते हैं हल फाला इशारा हम करेंगे क्या उसने किया कोई भी काम है तो आप जवाब देंगे नाम फाला हाँ उसने किया हल फालू क्या उन सब ने किया नाम फालू हाँ उन सब ने किया हल फालता क्या आपने किया तो अब इशारा अपनी तरफ होगा हाँ, नाम एक उंगली से नाम फालतू हा मैंने किया और जब जमा में पूछेंगे हल फाल, तुम, क्या आप सब ने किया जवाब होगा नाम ना। अपनी तरफ इशारा होगा नाम फाल ना इसको याद कर लें फिर अगर इसके साथ हम एक और कोई इस्म आखिर में ऐड कर दें ऑब्जेक्ट के तौर पे तो फिर क्या होगा उस ऑब्जेक्ट की जो असली हालत थी दो पेश वाली वो तब्दील होकर दो जबर में आ जाएगी अगर एक पेश था तो एक जबर में आ जाएगी तब्दील हो जाएगी ताकि पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट है ये अरबी का तरीका है ये उर्दू में तो हम कुछ लफ्ज लगाते हैं ना उसके आगे ने, उस ने किया इस तरह से ठीक है ना मगर इसी तरह करने वाले के लिए भी जब हमने ने लगाया तो अरबी में सिर्फ पेश होती है ठीक है और जिसके लिए किया गया जिसपे उस काम का असर पड़ा ठीक है ना उसके लिए हम को लगा देते हैं जैसे खिलाया पिलाया तो उसको खिलाया ठीक है ना तो को की जगह यहां पे क्या है पेश को चेंज करके जबर कर दिया जाता है अरबी में बस इससे याद रखें तो असल हालत आखिर में दो पेश है तब्दील शुदा हालत क्या होगी या तो दो जबर या दो जेर दो जेर हम पहले पढ़ चुके हैं हरूफ जर के साथ आती है और इसके अलावा आगे जागे पढ़ेंगे और कहाँ पे आती है मगर अभी दो जबर पढ़ रहे हैं हम तो ऑब्जेक्ट के तौर पर जिस पर उस काम का असर पड़ेगा दो जबर आ गई तो अब अगर मैं इसी सवाल को जो हमने पहले प्रैक्टिस की हल फाइला तो अब उसमें खई रन लगा दू तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या उसने कोई भलाई या नेकी का, का काम किया ठीक है तो आप क्या कहेंगे नाम फाला खैरन इसी तरह जमा में पूछू हल फालू खैरन तो आप जवाब में क्या कहेंगे नाम फालू खैरन हल फ़ालता खैरन जवाब में क्या होगा अपनी तरफ इशारा करके नाम फालतू खैरन एक काम तो हम रोज करते रहते हैं ना उसके बाद जमा में आ जाए हल फाल खैरा सवाल है ये खरन अलहदुल्ल ये अभी हम समझने के लिए पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं कि खैरन खीरन कह रहे हैं वैसे जब बोलेंगे तो वक्फ करने का जो रूल है खैरा कहेंगे ठीक है जैसे हम कहते हैं जजाक खैरा ये वही खैरन लिखा होता है ना वहाँ पे हम पढ़ते हैं खैरा ठीक है चलो अब आज के सबक की तरफ आ जाते हैं आज के सबक में क्या है चार नए फेल हमने पढ़ने और सिर्फ इन्हीं के फेल माजी की प्रैक्टिस करेंगे जो पहले की भी थी इसमें देखें दराबा में तीनों जगह पे जरब जबर आ रही है ठीक है ना फतहा जिसको हमने कहा था मगर समिया अलीमा और अमिला में क्या है नीचे एक एक जेर आ गई दरमियान में अभी तक जितने फेल हमने पढ़े थे वो सब जबर के साथ थे देखें एन फा फालाम तीनों पे जबर आ गई फता ता तीनों के ऊपर जबर आ गई जाम ऐन लाम तीनों पे जबर आ गई फिर और पढ़ा था हमने रजा का रा जा और का तीनों पे जबर आ गई थी फेल माजी में एक और फॉर्म भी आती है इसमें दरमियान में जेर आ जाती है बस यही एक वेरिएशन है ठीक है ना और फेल माजी में कोई और वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी बस यही एक वेरिएशन इसको याद रखेंगे बहुत सारे फेल ऐसे होंगे जैसे समिया है अलीमा है अमीला है इसके सेकंड वाले यानी कि एन कलमा जिसको मैंने कहा था उसके नीचे जेर आ गई ठीक है ना फा और लाम के ऊपर तो जबर है एन कलमे पे जेर आ गई तो दराबा के मानी एक माना है कि उसने मारा और माने भी हैं इसके अभी देखते हैं समिया है उसने सुना अलीमा है उसने जाना और अमीला है उसने अमल किया तो सबसे पहले दराबा को देख लें अच्छा ये देखें आमतौर पे जब मदरसों में गर्दाने सीखते हैं ना तो शुरू दराबा से होती है ठीक है ना मगर डॉक्टर साहब ने इस कोर्स में ये नहीं रखा है हमने गर्दाने माशाल्लाह से फाला से शुरू की फता नज़ारा करते करते अब हम आए हैं दराबा पे ठीक है तो एक माना है इसका मारना एक और माना भी है इसका वो क्या है उसने मिसाल बयान की दराबा मसलन फिर एक माना होता है चलना फिरना ठीक है ना जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि हिट दी रोड तो उसी तरीके से दराबा वो चला ठीक है ना चलने फिरने के मानों में भी आता है ठीक है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे जब और माना में अभी फिलहाल मारा से ही इसको याद रखें ठीक है ना दराबा पहले तर्जुमे के साथ करेंगे वही तरीका रहेगा फिर बगैर तर्जुमे के तो आइए करते हैं दराबा उसने मारा दराबू उन सब ने मारा दरबता आपने मारा दरबतु मैंने मारा दरब तुम आप सबने मारा दरब ना हम सब ने मारा तर्जुमे के साथ हमने कर लिया है अब बगैर तर्जुमे के करेंगे इशारे के साथ तो कोई मसला तो नहीं होगा ठीक है तरीका वही है कि जब मैं दराबा कह रहा हूं तो इसका मतलब है उस एक मर्द ने मारा मगर एक मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक उंगली का इशारा कर दिया मर्द मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने राइट हैंड यूज़ किया हुआ है ठीक है तो इसलिए उसने मारा कर दिया मैंने मगर असल में क्या है कि उस एक मर्द ने मारा ठीक है इसको जैन में रखें चले आइए अब अरबी में करते हैं बगैर तर्जुमे के और जैन में आप अरबी में समझने की कोशिश करेंगे इसको दराबा दराबू दरबता दरबतु दरब तुम दरबना एक दफा फिर करें दराबा दराबू दरबता दरबतु दरब तुम दरबना अब एक दफा मैं इशारा करूंगा आपने बोलना है ठीक है मैंने कहा था ना फालतू से याद रखना है इसको ये दरब तू. दरब तू. दरब ना। दरब ना। आप लोगों ने इसकी अपने टाइम पे प्रैक्टिस करनी है ताकि मजीद फेल जब इस वजन पे आएंगे हमारे आगे तो हमें आसानी रहेगी इसकी सवाल जवाब में देख लेते हैं इसकी हल दराबा क्या उसने मारा क्या जवाब होगा मारना कोई अच्छी बात नहीं इसलिए हम नफ़ी में बात करेंगे इसकी माँ दराबा नहीं उसने मारा अच्छा ये भी नोट कर लें कि फेल माजी की नफी करते हुए माँ आमतौर पर माँ से नफी करते हैं ठीक है ना ये ये भी याद रख लें ठीक है क्योंकि हमने नफी के चार लफ्ज पढ़ लिए ये भी पहचानते जाए आस्ते आस्ते आमतौर पर फेल माजी की नफी माँ मा से होगी ठीक चले हल दराबू क्या उन सब ने मारा मा दराबू नहीं उन सबने नहीं मारा हल दरबता क्या आपने मारा मा दरब तू मैंने नहीं मारा हल दरब तुम क्या आप सबने मारा मा दरब ये हाथों को चेंज करना याद रखें फेल के सीखों के साथ वरना ये पक्का नहीं होगा तो साथ साथ करते रहें जरूर जब भी सवाल जवाब करें ना इस तरह का तो अब बगैर तर्जुमे के भी इसको हम कर लेंगे जैद के साथ यानी कि जिसको मारा गया तो असल में जैदुन है अगर मारने वाले का नाम होता तो जहीदुन इस्तेमाल होता मगर जिसको मारा गया यानी जिस पे फेल का असर पड़ रहा है वो जैद है तो इसलिए जैदुन को तब्दील करके जयदन कर दिया गया जो पिट रहा है ठीक है ना तो वो जईदन हो गया इससे याद रख ले तो। तो मफूल कहलाता है खास कसिम है जो आगे जाकर के हम इसको पढ़ेंगे इनशाला सवाल है हल दराबा जईदन अब याद रखें देखें अगर मैं यहाँ पे हल दराबा ज़ईदन कह दू ना तो पता सवाल का तर्जुमा क्या बनेगा क्या जैद ने मारा क्या जैद ने मारा ये सवाल बनेगा मगर यहाँ पे हल दराबा जईदन तो क्या तर्जुमा होगा क्या उस एक मर्द ने मारा जैद को अब आप समझ रहे बात कि मारने वाला चेंज हो गया है सिर्फ जबर और पेश से और पिटने वाला भी चेंज हो गया है सिर्फ जबर और पेश से इसको याद रखें कि हल दाराबाजन क्या उस एक मर्द ने जैद को मारा अगर नहीं मारा है तो आप कहेंगे मा दाराबाजन ठीक है ना और अगर मारा है तो आप कहेंगे नाम दाराबाजन हाँ उसने मारा है citation, उसके बाद जमा में हल दराबू जईदन क्या उन सब ने मारा जैद को यानी कि उन सब मर्दों ने मिल करके जैद को मारा है जवाब क्या होगा मा जैदन नहीं उन सब ने जैद को नहीं मारा फिर हल दरब था जैद को मा दरब तू मैंने नहीं मारा जैदन जैद जाएद को मा दरब तु ठीक है जमा में आ जाए हल दरब तुम जैदन क्या आप सब ने जैद को मारा जवाब होगा ना कि हम सब ने जैद को नहीं मारा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेश और जबर से तब्दील हो जाते हैं मारने और पिटने वाला याद रखिएगा बात को ठीक है ऐसा नहीं हो कि अरब मुल्कों में जाके आप कह रहे हो के उसने मुझे मारा है और अरबी में कह दें कि नहीं मैंने उसको मारा है उल्टा हो जाएगा काम तो इसको बहुत समझने की जरूरत है चले अगला फेल आ जाए सामिया समिया का मतलब उसने सुना अगेन देखें ये आ गया सुनने वाला कौन है इसमें वो एक मर्द है, है। हुआ नहीं लिखा हुआ असल में हुआ समिया उस एक मर्द ने सुना तो सुनने वाला इसमें शामिल है ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं उस दिन समिया वर्ड नहीं है हमारे लिए हमने नमाज में जब पढ़ा के हम रुकू से जब उठते हैं तो समयाद कहते हैं ना तो ये वही है सामिया अब इसकी गर्दान देख लें सामिया उसने सुना समयू उन सब ने सुना समेता आपने सुना समय तू मैंने सुना समय तुम आप सबने सुना समय हम सब ने सुना अब डायरेक्ट अरबी में करेंगे तर्जुमे के बगैर समझ के में है। समझते हैं ना इसको चले समिया समेता समे तु समय तुम समे ना एक मरतबा फिर करें समिया समयऊ समेता समे तू सम तुम समे ना मैं इशारा करूंगा एक दफा बोलेंगे आप तो ये आप लोग अपने टाइम पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे सवाल जवाब में देख लें और अच्छा समझ में आ जाएगा हल सामिया क्या उसने सुना अच्छी बात सुनी है इसलिए हम कहेंगे नाम सामिया हल समेऊ नाम समेऊ हल समेता क्या आपने सुना नाम समे तू हाँ मैंने सुना हल समे तुम क्या आप सबने सुना नाम समय हाँ हम सब ने सुना अब कुरान सुनने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा आखिर में हम लगा लेंगे अल कुराना अब देखें असल में अल होता है। नून के ऊपर पेश है तब्दील शुदा हालत क्या हुई जबर आ गया पेश कीजिएगा अल कुराना तो इसका मतलब है जिस चीज को सुनने की बात हो रही है वो कुरान है ठीक है तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हल सम अल क्रना क्या उसने कुरान सुना तो आप कहेंगे नाम समय अल कुराना हल उल कुराना असल में तो ये समयऊ अल कुराना है ये अगर मैं तोड़ के इसको बोलूंगा तो हल समेऊ अल कुराना मिला करके हम कह रहे होते हैं हल समे उल कुराना तो नाम समय उल कुराना और इसी तरह जमा में आ जाएंगे तो हल समल कुराना आप जवाब देंगे नाम समय तुल कुराना और जमा में पूछेंगे हल अल तुमुल कुराना नाम नल ना कुराना हाँ हम सब ने कुरान सुना अगला फेल आ जाए अलीमा हम पढ़ चुके हैं पहले जिसमें हमने कहा था आलिमा उसने जाना पहला लेक्चर याद करें ठीक है ना उसने जाना तो जानना इल्म कैसे हासिल होता है इस, इसी से हासिल होता है ना कोई चीज आप जानेंगे तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इसकी अली उसने जाना अलीमू उन सब ने जाना अलिमता आपने जाना अलिम तू मैंने जाना, मैंने जाना। तुम। अलिम तुम आप सब ने जाना अलिम ना हम सब ने जाना बगैर तर्जुमे के ये है होमवर्क वैसे मगर मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए एक दो चार मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे मगर कर लें अच्छी बात है अलीमा अलीमू अलिमता अलिम तु अलिम तुम अलिमना अब इसका जो सवाल जवाब है ना अलीमा का जिस तरह हमने समिया का बनाया उसी तरह से अलीमा का सवाल जवाब आपने खुद बना लेना है होमवर्क है आपका अमीला आ जाते हैं जैसे अलीमा उसने जाना अमीला उसने अमल किया अमल उर्दू में भी अरबी में भी अमलन है ठीक है ना तो अमीला उसने अमल किया अमीलू उन सब ने अमल किया अमिलता आपने अमल किया अमिल तू, मैंने अमल किया अमिल तुम आप सब ने अमल किया अमिल ना हम सब ने अमल किया इसको करते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है कि ला अलीमा और अमीला में क्या है सिर्फ लाम और मीम का फर्क है ठीक है मगर जानना और अमल करना बहुत फर्क होता है जानते हम सब हैं मगर अमल सब नहीं कर रहे होते हैं इसलिए इसको समझ लें और बोलते हुए पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते हुए लाम और मीम को आगे पीछे नहीं करना है वरना मीनिंग चेंज हो जाएगी अरबी में एक दो प्रैक्टिस कर लें आमीला अमिलु अमिलता अमिल तु अमिल तुम अमिलना होमवर्क क्या है इसका सवाल जवाब उसी तरह क्या उसने अमल किया हाँ उसने अमल किया अच्छा काम है ना ये सवाल जवाब जो है ना आपने पूरा उसी तरीके से बना ला इस तरह हलसमे ये होमवर्क डॉक्टर साहब ने आपको दिया हुआ है उखता तो तो तालीम देख लें उसके बाद फिर हम ब्रेक करते हैं चौथा होमवर्क जो सात होमवर्क डॉक्टर साहब बताया उसमें चौथा होमवर्क क्या है कि किताब से पढ़िए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी किताब आपको बना करके दे दी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हुई भी है आप लोगों ने देखा भी होगा तो इस किताब को जरा शौक से पढ़ा करें रोजाना थोड़ा टाइम लगाया करें इसके ऊपर और किताब असल किताब कौन सी है असल किताब है जिसको पढ़ने के लिए हम और समझने के लिए सारी एफर्ट्स कर रहे हैं अल कुरान ठीक है ना इस किताब को पढ़ाने के लिए कौन आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मोलम थे हमें नहीं चाहिए कि हम उनके स्टूडेंट बने कैसे बनेंगे आज आज उनकी महफिल में तो हम नहीं मौजूद है ना जब वो पढ़ा रहे थे साहबा को तो हम तो नहीं थे अल्लाह ताला ने हमें आज पैदा कर दिया है मगर ये किताब उसी तरह प्रिजर्व्ड हालत में हम तक पहुंचा दी है बल्कि लिखी हुई उस जमाने में तो जबानी पढ़ा करते थे लिखने का इतना रिवाज नहीं था आज तो बड़ी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हुई बल्कि उसके बाद डिजिटल भी आपके हाथ में है इस वक्त है ना मोबाइल फोन में लैपटॉप टैबलेट हर चीज में अवेलेबल है ये ऑडियो भी है वीडियो भी है सब चीजें मौजूद है अब कोई हमारे पास एक्सक्यूज है नहीं कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते सिर्फ बात ये है कि हमने कन्विंस करना है अपने आप को कि नबी मोल्मा में कुरान थे तो हमें उनका स्टूडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर होना चाहिए तो फिर पूरी कोशिश करें कैसे कि रोज आना हमने इस पर टाइम लगाना है पढ़ने के लिए ये तरीका है रोज आना और ये किताब जो डॉक्टर साहब ने दे दी है वीडियो देखें इनकी स्लाइडें देखें होमवर्क करें वर्कबुक करें यही तरीका है सीखने का और इल्म जो है सबसे बेहतरीन इल्म किस चीज़ का है कुरान करीम का है तो सीखने के लिए जब इल्म के जो फवायद हदीस में आता है ये अबू दाऊद और तिर्मिजी वगैरह में ये रवायत है अबू अबूदरदा रबी से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसुल्ला वसलम को कहते हुए सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है तो आप देखें कि अगर आप कुर करीम सीखने के लिए आते हैं तो इससे अच्छा इल्म कौन सा है और अल्लाह ताला के यहाँ उसका सिर्फ इस एफर्ट का क्या अजर है तो आप घर बैठ करके आज जो एफर्ट करेंगे इनशाला उसका भी आपको अल्लाह ताला के यहाँ अजर मिलेगा क्योंकि तो मजबूरी है कोविड की वजह से आप आ नहीं सकते यहाँ पे मगर घर बैठ के टाइम तो लगा सकते हैं ना तो कोशिश ये करें कि जो ट्रेवलिंग टाइम आपका बचा है ना यहाँ आने का और जाने का उसको भी पढ़ने में लगाए जो लोग ऑनलाइन है मैं उनसे कह रहा हूँ तो चौथा होमवर्क क्या है किताब से पढ़िए इस कोर सी किताब के लिए दो कम से कम दस मिनट निकालें क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए है है। तो लेंगे चौथा उम्र क्या है रोजाना कोर्स की किताब का दस मिनट मुत और अल्लाह की किताब से जो पढ़ना है वो तो खैर है ही हमारा मबूल होना चाहिए तो अलहमदिल्ला इस सबक के अख्ताम पर कुल अल्फाज हम कितने सीख चुके हैं एक सौ इकतीस जो कुरान करीम में तीस हजार सात सौ सत्तानवे बार आए हैं एक दफा फिर बता दूं कि ये तीस हजार की जो फिगर है आपको रिसीव नहीं करे ये। ये तीस हजार सिर्फ उसके लिए जिसने एक सौ इकतीस अलफाज अच्छी तरह सीख लिए हैं समझ लिए हैं और जो गर्दाने इस कोर्स में अभी तक पिछले ग्यारह लेसन में हमने किए हैं वो गर्दाने जिसने अच्छी तरह से याद कर लिए हैं अगर गर्दाने याद नहीं है गलती कर रहा है मिसाल के तौर पर फता कहना चाह रहा है और कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी गरदान ठीक नहीं आती है इसी तरह लहू लहूम के अंदर भी गलती कर रहा है वो इसका मतलब है गरदाने ठीक नहीं आती है अगर गर्दाने ठीक याद कर ली है सारी तो फिर तीस हजार से ऊपर ही है आप इनशाला ठीक है इसको जेहन में रखें पक्का होमवर्क करते रहें ये जो पॉकेट वाला जो कार्ड दिया हुआ है डॉक्टर साहब ने बुक के साथ इसको आप हमेशा अपने साथ रखें और याद करते रहा करें टीचर बनिए दस ग्यारह लेसन पढ़ चुके ना अभी तक आप लोग तो ग्यारह लेसन पढ़ने के लिए यू ऑल आर पढ़ाने के लिए यू ऑल आर अथोराइज मैंने पहले शुरू में बात की थी कि इस कोर्स की ब्यूटी यही है यह। जो आप पढ़ लें यू आर अथोराइज टू टीच कोई मसला नहीं है पढ़ाएं शुरू कर दें आप किसी को पकड़ें घर में दोस्तों में मस्जिद के साथियों में जहां भी रिश्तेदारों में ऑनलाइन करा सकते हैं आप किसी को आप कराएं जो आपने पढ़ा है वही पढ़ाएं वीडियोज मौजूद हैं लेक्चर्स मौजूद हैं स्लाइडें मौजूद हैं कोई मसला नहीं है अगर आपको टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप करनी है तो वो भी इन अगले महीने हम प्लान कर रहे हैं एक दुआ करें कि हालात बेहतर हो तो एक टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप अप्रैल में इनशाला बल्कि इसी महीने में शायद करेंगे हम अभी फाइनल नहीं हुआ है वील शेयर द इंफॉर्मेशन इनशाला मगर प्लान कर रहे हैं अभी हम कोविड की वजह से ज़रा एक सेकेंड थाट है शायद अभी ना करें मगर मैं बता दूंगा आप लोगों को तैयार रहें आप लोग मगर इसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि केवम कुरान करीम को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने फैलाने की तोफ़ीक दे सुबह याद रखिएगा जजाक खैरा दस मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद दस मिनट के बाद इन शिविजन ही क्लास करेंगे हम एक क्विक सा रिविजन करेंगे और ताकि आप लोग नेक्स्ट वीक का जो मिड क्विज है उसके लिए تيا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده من لساني يفقهوا قولي असल वरिकम वरह वहदीद आप सब लोगों को जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अभी हम सबक नंबर एक से लेकर के और दस तक के रिवीजन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक से ग्यारह लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मगर क्योंकि सबक नंबर ग्यारह तो अभी ब्रेक से पहले हमने किया है लिहाजा एक से लेकर के दस तक के रिवीजन में अभी आपको कराऊंगा इनशाला ताकि फिर आप अगले हफ्ते जो मिड क्विज होगा उसके लिए तैयार हो जाए Welcome, के मकासिद हमने पढ़े थे पहले लेसन के अंदर मौजूद हैं जो पांच मकासद हैं उम्मीद है कि अब तक तो आप सब लोग इससे वाकफ भी हो चुके होंगे कौन से पांच मकासद हैं इस कोर्स के और अलमदिल्ला उसमें हम कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं ये भी आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि कुरान समझना आसान हो रहा है अलहमद हमारे लिए नमाज भी समझ के हम पढ़ने लगे नमाज़ उतनी इफ़ेक्टिव होगी जितना ज़्यादा हम समझ करके पढ़ेंगे इसको कुरान के साथ ताल्लुक क़ायम होगा कुरान को हम अपनी ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अच्छे अमाल कर रहे हैं ताकि जो आला अखलाक की तरगीब हो सके सोसाइटी में हमारी जो एक अखलाकी गिरावट नज़र आती है उसको दूर करने की एक एफर्ट हो फिर अरबी बोलचाल के लिए जो सौ जुमले इस कोर्स में डॉक्टर साहब ने शामिल किए हैं उन सौ जुमलों की मदद से हम तीन फायदे हों उसमें कुरने करीम को समझने में आसानी होगी अदीस को समझने में आसानी होगी उसके अलावा बोल चाल में जो कन्वर्सेशन है उसको भी समझने में आसानी होगी किस तरीके से सीखे तब्दील होते हैं जैसे आज भी हमने देखे थे सूरतलफाते हमने पढ़ी कोई चीज़ की रिविजन कर लेते हैं। बल्कि सूरतलफाते पहले हमने ज़ज़ और तस्मिया पढ़ा था ये दो नाम मैंने आपको नोट कराए थे अगर कोई भूल गया है तो फिर लिख लें ये हो सकता है हम पूछ लें आपसे मिड क्विज में तो ये ताव़ है आऊज बिल्ल ही मिन शैतानीम और तस्मिया है बसमिल्ल रन रहीम तो ये सीख लेना चाहिए हमें आऊज़ू मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ दोनों तर्जुमा इसका होगा क्योंकि इसमें मुजक्कर मुन्नस के सिफे अलग अलग नहीं है बिल्लाही दो लफ्जे बी और अल्लाह मिला करके बना तो हमने क्या तर्जुमा किया कि पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की यहाँ पे बी का मतलब हमने की किया था मिन अशैतान मिन से हो गया अश शैतान शैतान और अर्रजीम शैतान की जमा हमने शयातिनु पढ़ी थी शैतान शैतान है ये असल में वाहिद में और जमा होगी शयातिनो यह हमने पढ़ा था अर्रजीम हमने पढ़ लिया था मरदूद फिर हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह बी या से इसम अलग से था ये मिला के लिखा हुआ है तो हमजा नहीं लिखी जा रही है इसमें इसम इसकी जमा हमने पढ़ी थी असम की उन लफ्जुलजल अल्लाह अल्लाह जाति नाम पढ़ लिया हमने और रहमान और अर रहीम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दोनों रा हा, मीम के माध्य से हैं, मगर रहमान में जोश शिद्दत, कसरत ये सारी चीज़ें आती हैं इस वज़न पे जो इसम आते हैं उनमें यह खूसियत होती है और रहीम हमने पढ़ा इस वजन पे जो आते हैं उसमें तसलसल होता है और कसरत होती है दोनों चीज़ें इसको याद रखिएगा इसलिए तर्जुम करते हैं कि नहाय मेहरबान और रहम करने वाला ठीक है इस तरीके से उसके बाद हमने पढ़ा अलहमदू अलहमदू में अलहमदू में, आ, 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 में आ, आ, आ ये आ, नोट कर लें अल हमदू में जो शुरू में अल आया है हमने कहा था कि इस इस अल के मानी होते हैं तमाम इससे पहले जो अल आ रहा था वो ख़ास करने वाला था तो अल के भी दो माने हम पढ़ चुके हैं अभी तक एक ख़ास करने के लिए होता है द और एक होता है तमाम के लिए हमद के दो माना पढ़ लिए थे हमने तारीफ़ और शुक्र अल्लाह से पहले लाम जेर ली आ गया ये हमने बाद में पढ़ा हरूफ जर में जा करके लहू लहू में तो ये ला अल्लाह के लिए रबालमीन जो रब है हम तर्जुमा करते हैं तमाम जहानों का तो ये आ, आलम वाद था और आलमून इसकी जमा होती है किसी वजह से तब्दील शुदा हालत आलमीन आ रही है इसको जहन में रखिएगा मैंने नोट करा दिया था आपको रब का मफो हम समझ चुके हैं अर्रहमान और अर रहीम वही है जो पहले आया था मालिकी यौम्दीन मालिक मालिक उर्दू वाला मालिक था योम दिन को कहते हैं और अदीन अद जो है इसमें दीन के दो माना हमने पढ़े थे एक बदला और एक निजाम जिंदगी उसके बाद अच्छा यहाँ पे जो आ रहा था बदले का दिन था इसलिए वो माने यहाँ पे होंगे इया का नाबुदू इया का हमने कहा था कि का से पहले आ रहा है तो ही के मानों में आएगा और का वही जमीर है जो अंता वाली होती है या का तेरी ही नाबुदू नून से हमने कहा था कि शुरू में आ रही है तो नहनू की तरह ये जमा का सीवा है हम इबादत करते हैं वाह और हो गया ईया का वही पिछला वाला है हम सब मदद चाहते हैं या मदद मांगते हैं इहदी ना ये दो लफ्ज मिलकर बना हुआ था याद करें इहदी हमने कहा था हिदायत दे ये फेल अमर या दुआ के लिए इस्तेमाल होता है फेल की किस्म आगे जाके हमने पढ़नी है ना इसके साथ जमीन लगी हुई है इसको तोड़ करके दो हिस्सों में हम ईहदी और ना अलग अलग समझ लेंगे इसको कि हमें हिदायत दे किस चीज की हिदायत असराता अल खास रास्ता हो गया और वो कैसा रास्ता है अल मुस्तकीम जो सीधा है ठीक है सराता अल लजीना रास्ता लजीना हमने पढ़ा था वो सब जो तो उन लोगों का जिन पर अन अनमता आपने इनाम किया आप ने किया अनता अलई हिम आगे आ रहा है उन सब पर उनका रास्ता जिन पर आपने इनाम किया ये हम ऐसे कर लेते हैं इसका मगर ये अला और हम जो है इसको मिला करके जब तोड़ेंगे तो अला और हम होगा मिला के लिखेंगे तो अलई हिम हो जाएगा ये तोड़ जोड़ की प्रैक्टिस आज ग्रामर के रिवीजन में मैं आपको इनशाला कराऊंगा इम्तान के लिए तैयारी हो जाएगी आपकी गैर इलावा होता है अल अलमदूब हमने कहा था कि जिस पर गज़ब किया गया अलिम वही है वा और हो गया ला नहीं अदौलीन वो सब जो गुमराह हुए तो जो मफू हमने समझा था इसमें मकदूब का और दौलीन का कि एक मकदूब वो हैं जिनके ऊपर गज़ब किया गया जो जानते हैं मगर अमल नहीं कर रहे हैं और दौलिन जो है वो घुमरा है जिनको इल्मी नहीं है ठीक है ना ये एक मफूम था और भी तफासिर में इसके और मफूम भी आपको मिल जाते हैं उसके बाद हमने अजान की प्रैक्टिस की अल्लाह अकबर अकबर हमने कहा था सबसे बड़ा ठीक है ना उसके बाद अशहदु है मैं शहादत देता हूँ अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इला हमने पढ़ लिया था ठीक है और उसका तरह इसकी जमा भी हमने पढ़ ली थी आले इसकी जमा थी ठीक है और ला नफी वाला है ये इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के अल्ला अशहदु फिर आ गया और रिपीट हो गया यही पूरा अल्लाह के बाद फिर अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना के अन्ना मैंने आपको बताया था इन्ना और अन्ना दोनों बेशक के लिए इस्तेमाल होता है मगर जब अन्ना इस तरीके से आए तो के के मानों में आता है यहाँ पे जैसे यहाँ पे अशद ला आता इसी तरह अशद मोहम्मद तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह का रसूल है और रसूल इसकी हम पढ़ चुके हैं उसके बाद फिर हैया अला हया आओ ठीक है नाला अला पर के लिए होता है मगर यहाँ पे सलाद के लिए आ रहा है तो नमाज की तरफ आओ ठीक है ना हया फलाह कामयाबी की तरफ आओ उसके बाद ये आगे वही रिपीट हो रहा है अल्लाह अकबर फजर के अजान में जो इजाफी कलमात होते हैं हया है फलाह के बाद दो मरतबा कहा जाता है मिनन नौम। नमाज बेहतर है किस चीज से हाँ नींद से ठीक है ना तो अः खैर जो है वो बेहतर अच्छी इन मानों में आ मिन से हो गया नोने वाले फिर जब इकामत होती है तो अजान के अल्फाज हैं उसमें मगर इजाफी इदा, आखिर में क्या होता है कद कमत तो कद के माना तहकीक हम पढ़ चुके हैं ये बात कि फॉर श्योर जो काम हो चुका उसके लिए इस्तेमाल होता है कामत काम कि वो खड़ा हुआ कामत उसकी मुन्नस है वो खड़ी हुई क्या चीज असलात नमाज जो है वो कायम हो चुकी है ठीक है ना मफहूम क्या पढ़ा था हमने कि अजान इस बात का ऐलान है कि लोग मस्जिद में आए और कामत ऐलान के जो लोग मस्जिद में आए हैं जमात खड़ी हो चुकी है उनकी फिर वजू के पहले और बाद के अजकार हमने सीखे सबसे पहले हमने सीखा कि बिस्मिल्लाह पढ़ना है वजू से पहले उसके बाद हमने वजू के बाद की दुआ में अजान की ज्यादातर अल्फाज रिपीट हो रहे हैं इसमें जो नया लफ्ज आ रहा था एक ही आ रहा था अशद वाह ठीक है ना वो अकेला है ला शरीका नहीं शरीक लहू उसका ला और हु मिल करके वाहद अन्ना और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद अब्द हु अब अब हु उसके बंदे ठीक है वाह और रसूल उसके रसूल ठीक है ये तीन लफ्ज मिल के बना हुआ है वह रसूल वजू के बाद की एक दुआ जो हमने सीखी अल्लाह इज अलनी मिला के पढ़ते थे हम इसको तो पढ़ते हैं हम इसको अल्लाह इज अलनी मगर असल में क्या है अल्लाह इज अलनी इज अलनी आज फिर हम देखेंगे जब हम दरूद के बाद वाली दुआ पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये इसको याद रख लें इज अल बना और यी जमीर लगी हुई है नून मिलाने के लिए दरमियान में आ गया तो इजल नहीं बना अल्लाह मैंने बताया था कि आख, अल्लाह के बाद आखिर में शद वाली मीम आए तो इसका मतलब होता है ए अल्लाह और ये सिर्फ अल्लाह तला को पुकारने का तरीका है मिन से हो गया अवीबिन है तो है, कहते हैं बहुत ज्यादा खूब तोबा करने वाले को और तवाबूना इसकी जमा है मिन लग गया तो तवाबीना हो गया वाह और इज अल बना दे मुझे मिलल से अलमता मुतरीन है खूब पाक साफ रहने वाले ठीक है ये भी मुतिर है मुताहरूना उसकी जमा बनेगी और फिर तब्दील शुदा हालत मुतरीन है जो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे अभी ये वाली किस्में हमने नहीं पढ़ी हैं हैया वही आ गया अलसलाह हया अलफलाह वही है आगे उसके बाद क्या था आ, सना जो शुरू में हम पढ़ते हैं मगर हमने लेसन में आ, आगे जाके पढ़ी थी इसलिए सुबह न सुबह न का ठीक है पाक है तू अल्ला ए अल्लाह वही व और बी सात हमदी हम हम्द का तेरी अब देखें कितने लफ्ज मिल के बन गया ये व बी हमदी का चार लफ्ज मिल के बने हुए ठीक है एक लफ्ज में चार लफ्ज हैं ये और तारीफ है तेरे लिए या और साथ तेरी तारीफ के ये तर्जुमा भी हो सकता है इसका वह तबारका और बरकत वाला है तबारका में का जो है ये जमीर ये वाली का नहीं है ये इसकी अपनी का है याद रखियेगा तबारका और बरकत वाला है इसमो का इसम और का दोनों को ऐड करेंगे दो लफ मिलके तो इस्म का बन गया मिला के पढ़ते हैं तो हम कहते हैं तबारा कसम का ठीक है ना व ताला व और हो गया ताला बुलंद व बाला है ये भी फेल कैसे में आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या चीज बुलंद वा वाला है जद्दू का तेरी बुजुर्गी जद्द बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल होता है जद्दू का तेरी बुजुर्गी व ला इलाहा और नहीं कोई माबूद गैरू का गैर सवाय का तेरे तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है ये हो गया रुकू की तस्वीर में आ जाए सुभान रब्बिल अजीम सुभान हमने पढ़ लिया कि सुभान का मतलब है पाक है तो इसका मफहम क्या पढ़ा था हमने कि हर किस्म के नकायस की नफी करनी है यहाँ पे ठीक है जब यह हम तो मुकमल होती है तो सुबह न पाक है रब मगर उससे पहले रब हमने पढ़ा था कि रब तमाम कायनत का इंतजाम करने वाला पालने वाला एक एक पल एक एक जर्रे की परवरिश करने वाला वो अजीम रब है और फिर वो मेरा है अपनाइत वाला एहसास में आ गया था याद है ना हमने चार चीजें कही थी कि एक पाकिजगी उसकी एक उसकी रबूबियत की शान एक फिर वो मेरा रब है और फिर एक अजीम बहुत बड़ा है और किस उसमें कह रहे हैं हम झुकी हुई हालत में कह रहे हैं तो अल अज़ीम को हमने कहा था कि अजमत वाला अजम हड्डी को कहते हैं उससे बना हुआ है कि बहुत ताकत वाला बहुत शान वाला रुकू से उठते हुए पढ़ते हैं समी अल्लाह लिमन हमीदा समीया आज भी हमने ग्रामीण में पढ़ लिया उसने सुना किसने सुना अल्लाह लेकिन अल्लाह पे पेश आ गया तो समी अल्लाह ठीक है अगर यहाँ पे आज हमने ग्रह ग्राम प्रैक्टिस की थी अल कुराना तो जिसको सुना गया उसके आखिर में जबर आ रही थी उसने सुना कुरान को अल अल्कुर है ऐसे ही है ना ठीक है और यहाँ पे समी अल्लाह अब हाँ पेश आ रही है अल्लाह पे तो अल्लाह ने सुना हो गया ली मन ली लिए हो गया मन जो हमने मन के बारे में दो बातें पढ़ी हैं याद रखें शुरू में आएगा तो कौन कहाँ से याद रखा था हमने मन का से याद रखा था सवाल जवाब में याद है ना खबर के जो दोस्त के तीन सवाल में से पहला सवाल था मन रबू का तो कौन उससे याद रखेंगे दरमियान में आ रहा है तो जो हमीदा हु हमीदा उसने हमद की अब आप देखें कि हमद जो है ऐसे में और हमेदा फेल हो गया है उस वक्त हमने नहीं पढ़ा था मगर आज हमने समिया पढ़ लिया है ना तो जैसे समिया है जैसे अलीमा है जैसे अमीला है उसी तरह हमीदा है उसने हम हमथ की उसने तारीफ की या उसने शुक्र किया दोनों मान हो सकते हैं तो यहाँ पे है हमथ की तारीफ वाला हमीदा हु। हु।, हु हु उसकी अल्लाह की ठीक हो गया उसके बाद रुकू से उठते हुए हम क्या कहते हैं रब रबना, वलकल रबना हमारे रब और तेरे लिए है व ये मैंने बताया था ना रब्बा ना है रब्बा तो ए रब ना हमारा ठीक है ना रबु ना नहीं है ये इसलिए हमने ए लगा दिया तर्जुमे में ए हमारे रब का, और तेरे लिए अल तमाम तारीफ और शुक्र फिर एक और दुआ हमने पढ़ी थी रुकू से उठ के जब खड़े होते हैं उस वक्त हमारी प्रैक्टिस तो ये जल्दी से खड़े हुए रब्बना ना कल हम कहते और अल्लाह अकबर कहते कहते सीधे में गिर चुके हैं नहीं नबी नबीसम का तरीका यह था कि रुक के खड़े होकर के कुछ देर कोई दुआएं पढ़ते थे उसमें से एक दुआ जो आदि है वही है इसके अलावा और दुआएं भी हैं और हम सना और भी हैं मिल व मिला नया लफ्ज आया था कि भरकर ठीक है ना तो असमावत आसमान जितने भी हैं उनको भर के व मिल अलद और जमीन को भर के व मिल आ और भर कर माँ बेना हम उन दोनों के दरम्यान जो कुछ है उस दिन मैंने बात की थी ये कायनात का हमें पता ही नहीं है कितनी बड़ी कायनात है आज तक साइंसिस में लगी हुई है कि इसके का जो हजम है इसका अंदाज़ा कर लेंगे कायनात है कितनी बड़ी अभी तक नहीं पता चला है कितनी बड़ी है तो डिस्कवरी होती रहती है आए दिन बेई ना हुमा इन दोनों के दरमियान वाह मिल आ और भर कर माँ जो माँ का भी यही था कि शुरू में आए तो क्या भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है शुरू में वो हमें सवाल से पता चलेगा कि सवाल है कि या कोई और जुमला है मगर दरम्यान में आएगा तो एक ही माना है जो ठीक है और कैसे हमने माँ को हमने कैसे याद रखना था जैसे वहां पे मन रब्बू का था ना कि कौन है तुम्हारा रब तो माँ का से हमने याद रखा था कि क्या है तुम्हारा दीन कबर का दूसरा सवाल ये भी याद रखें माँ जो शिता शिता आपने चाहा शाह उसने चाहा श आपने चाहा ठीक है ना तो अल्लाह ताला से बात हो रही है मिन शही इन मिन से हो गया शही इन कोई भी चीज बाद उसके बाद यानी कि इन सब को भरने के बाद भी जो आप चाहे वो सब भर के क्या चीज अल्लाह ताला की हम थे सजदे की तस्वीर उसके बाद हमने कहा था अल्लाह अकबर क्या के हम सजदे में चले जाते हैं तो सजदे में सुबहाना रबी सुबहना वही है जो हम पढ़ के आ गए रब्बी रब्बी भी यही है यहाँ पे जबर आ गई इसको मिलाने के लिए जैसे वहां पे रबी अल अजीम था वैसे ही अल आला अल अजीम की जगह यहाँ पे अल आला है अल आला क्या है सबसे बुलंद और सबसे नीचे वाली पोजिशन में जाके हम कह रहे हैं रुकू के बाद सजदे में गए तो जमीन पे माथा टेक दिया अब इससे नीचे का लेवल कोई नहीं है और सबसे बुलंद अल्लाह ताला है तो तहाँ पे अल्लाह ताला से बंदा सबसे करीब हो जाता है ये हमने समझा था तशाह पे आ जाए तशाहुद में हमने पढ़ा था अत इसका मफहम था कि तमाम बदनी इबादतें ही अल्लाह के लिए अगले दो जो अल्फाज हैं वो वाह वाह के साथ हैं तो इसका मतलब है लिल्लाही ही इन सब के साथ भी है वाह असलावा और तमाम बदनी इबादतें ठीक है ना तमाम कौली इबादतें तहियातु तमाम कौली इबादतें असलवात तमाम बदनी इबादतें और तईब तमाम मादी इबादतें अल्लाह के लिए है असलामू सलामती ठीक है ना अलैका ये भी अल जो है ये ख़ास वाला नहीं है बल्कि तमाम वाला है हर तरह की सलामती अलैका अलई का और का मिलके के अलैका हो गया आप पर अय्यू हा अय्यू हा ए के लिए इस्तेमाल होता है ये मैंने बताया था कि या भी अय्यूहा भी और या अय्योहा ये तीनों जो है ए के लिए इस्तेमाल होते हैं अन नबीयो नबी अम्बिया इसकी जमा और एक और जमा हमने नबीयून भी पढ़ी थी वा और रहमतुल्लाहमत रहमत रहमत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अल्लाह की वाह बरको वाह बरकत जमा है बरकत की बरक़ात और हु उसकी हुई अलैना असलामो वही हो गया सलामती अलैना अला और ना हम सब पर वाह अला और पार पे इबादिल्ला अब बंदे वो कहते हैं इबाद उसकी जमा है ठीक है ना और किस के बंदे अल्लाह के बंदे इबाद कौन से वाले बंदे हीना। नेक, नेक। साले, साले की जमा साल और बदली भी साले हीन। उसके बाद पढ़ते हैं हम अशद अशद मोहम्मद अब्दुह रसूल अभी हम अजान और उसके बाद की दुआ में हम पढ़ चुके हैं कि मैं गवाही देता हूं के नहीं कोई सिवाय अल्लाह के और मैं गवाही देता हूँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अब्द हु उसके बंदे व रसूल हु और उसके रसूल हैं फिर हमने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था अल्ला ए सल्ली सल्ली का मतलब हमने पढ़ा अगर अकेला सल्ली आ रहा है तो अकेले आ रहा है तो नमाज पढ़ ठीक है ना बस सल्ली रबी का से याद रखेंगे नमाज पढ़ ली रब्बी का अपने रब के लिए ठीक है और अला के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है रहमत बेज तो यहाँ पे अला के साथ आया इसलिए हम कहेंगे सली बेज अला मोहम्मदन मोहम्मद वसल् पर वाह और अला पर आली आल पर मोहम्मदन मोहम्मद वसलम की तो आल से हमने पढ़ लिया था इसके अंदर मफहम याद कर लेंगे उनके घर वाले उनकी औलाद उनकी पैरवी करने वाले उनको मानने वाले सब लोग इसमें शामिल हैं का माँ का जैसे मां जो कमा जैसे के सलिता अला आपने रमदी पर इब्राहिमा इब्राहिम पर व अला और पर आल इब्राहिमा आल पर किसकी इब्राहिम की इन्ना का ये दो लफ्ज मिल के बना हुआ इन्ना बेशक का आप हमीद बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल और मजीद बहुत ज्यादा बुजुर्गी वाले हैं द्रुद का जो दूसरा हिस्सा उसमें सिर्फ ये दो लफ्ज चेंज हो रहे थे अल्लाम के बाद बारिक आ गया था और कमा बारकता आ गया था तो हम उसको देख लेते हैं अल्ला बारिक का मतलब होगा ए अल्लाह बरकत अता फरमा अला मोहम्मद मोहम्मद पर और यहाँ पे है कमा जैसा के बारकता बरकत अता की तूने इब्राहिम इस्लाम को बस ये यही दो लफ्ज हैं बाकी तो पूरा सेम है जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसके बाद नमाज के बाद की एक दुआ हमने पढ़ी थी रबना ए हमारे रब आती न दे हम सब को फि दुनिया दुनिया में और दुनिया हमने पढ़ा था कि ये मोनस है दो मानों में आता है करीब भी और हकीर भी ठीक है हसाना तुन असल में हसना तुन है ये हसन भलाई वाह वा और में अल आखिर आखरत में हसना भलाई वा की तीन लफ मिल के बने हुए हैं वाह और हो गया की बचा मैंने फेल उस दिन बताया था ना आपको की बचा ना हमें नार। अजाब अजाब किससे आग के अजाब से ठीक है उसके बाद एक और दुआ जो नमाज के बाद पढ़ने वाली सीखी थी हमने अल्लाहुम्मा अल्लाइनी आय मदद फरमा मेरी आनी अला पर परिक्री का तेरा जिक्र करने पर वाह और शुक्री का तेरा शुक्र करने पर वाह हुसनी और बेहतरीन इबादती का तेरी इबादत की तो इन सब चीजों के ऊपर हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं फिर ये दुरूद के बाद की दुआ इजाफ़ी है आपकी किताब में मेरा ख्याल बुक नम्... पेज नंबर फिफ्टी एट के ऊपर दी हुई है आ, कि आपको ओरिजिनल कोर्स में नहीं थी मगर बहुत सारे लोगों ने जब रिक्वेस्ट की कि ये आमतौर बचपन से हमें जब नमाज़ पढ़ाई जाती है ना तो दुरूद के बाद की यही दुआ हम याद करते हैं तो दुआ बहुत अच्छी है इब्राहिम इस्लाम की दुआ है और बल्कि कुरान में सूर्य जिसमें आती है उसका नाम ही इब्राहिम है और आयत नंबर मेरा ख्याल है चालीस इकतालीस सर शायद ये चेक कर लीजिएगा आप तो बचपन से हम चूंकि पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए इसको एडिशनल इस कोर्स में शामिल कर दिया कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है ये मगर डॉक्टर साहब ने फिर इसको ऐड कर दिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ जो फेल वगैरह आएंगे उसकी फॉर्म थोड़ी सी एडवांस आगे जाके हम पढ़ेंगे मगर अभी सिर्फ तर्जुमा इसका यहाँ पे पढ़ लेते हैं रब्बी असल में क्या है रब्बी है ये मैंने बताया था जब जेर आ रही होगी और पीछे कुछ रूफ़ में से नहीं है तो इसका मतलब है कि या है लगी हुई तो रब्बी ठीक है ना जैसे हमने रब्बी जिदनी में पढ़ा था रबी तो ए हमारे रब तो यहाँ पे भी इसीलिए ए मेरे रब बन रही बन है तर्जुमा ठीक है ना ए मेरे रब इज अलनी अभी हमने पढ़ा है वजू के बाद की दुआ में बना दे मुझे कोई मुश्किल नहीं है मुकीम सलाती मुकीम कायम करने वाला कामा हम, हमने पढ़ा ना उससे उसी की एक फॉर्म है चेंज हो करके मुकीम ठीक है ना तो मुकीम कायम करने वाला हो गया अभी हमने फ़ाइल नहीं पढ़े इसलिए अकामा से बनता है ये असलाता नमाज को कायम करने वाला देखिए यहाँ पे ज़बर नहीं लगी हुई है मगर अब आपको समझ लेना चाहिए कि मुक़ीम सलाता है तो इस जिस चीज़ की बात हो रही है इसको कायम करने की बात हो रही है नमाज है तो इसलिए यहाँ पे ज़बर होनी चाहिए वा मिन और से ज़रूरीती जुर्यत कहते हैं ज़रूरीत कहते हैं औलाद ठीक है नैक्स्ट जनरेशंस टू कम जर्रिय और मेरी औलाद या वही लगी हुई है किताबी रबी वाली जो हमने पढ़ी है रब न ए हमारे रब ये फिर आ गया तकबल और तू ख़बूल कर ठीक है दुआ मेरी दुआ तो असल में ये भी दुआ ई है ये असल में शॉर्ट में दुआ लिखा हुआ ये तो मेरी दुआ हो गई फिर आ गया रब ए हमारे रब ये है एक फिर ली मिला के हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ली। तो असल में क्या है एक फिर एक फिर बख्श दे मफ़रत फरमा यह भी दुआ है पहले अमर ठीक है ना एक फिर ली लाम इसके साथ इजाफी लगाते हैं तर... मगर तर्जुमे में इसका तर्जुमा हम करते हैं नहीं है बस बख्श दे मुझे मेरे लिए नहीं कहेंगे इसको है वही वाली लाम लगी हुई लहू लहू वाली मगर जब बामावर तर्जुमा हम करते हैं तो एक फिर ली का मतलब है कि बख्श दे मुझे ठीक है ना वाह और ली लिए वही तर्जुमा मगर इखिर के साथ है तो को किसको व्यादा ये असल में थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वालिदैया कैसे बन गया है इसका तर्जुमा दोनों के लिए हो रहा है वालीन ठीक है ना हाँ माँ और बाप दोनों को तो और किसको बात देद को ठीक है और किसको बख्शना है वह मुमिनीना और को मुमिनीना। की जमा मोमिन की जमा मोमिनून बनता है और ली लगा हुआ है इसलिए मोमिनीन बन गया यह यौमा। उस दिन यौम हम पढ़ चुके हैं नहीं नहीं है। यकुम कायम होगा ठीक है कामा से यकूम ठीक है होगा हो यहाँ पे बन जाएगा आगे फीचर की बात हो रही है यो मैम कब अलिस हिसाब कायम होगा यानी हिसाब किताब का जो आखरत का दिन होगा उस दिन क्या करना है आपने अल्लाह ताला से दुआ हो रही है कि मुझे भी बख्श दे और मेरे वाले को भी बख्श दे और तमाम मोमिनों को बख्श दे तो ये जो हम सब के लिए दुआ करते हैं ना नमाज में ये वो वाला मुकाम है सब के लिए हम दुआ करेंगे सबको बख्श दे अल्लाह ताला तो ये इजाफी दुआ भी हमने कर ली है इनशाला अब नमाज पढ़ेंगे तो हम इसको भी समझ के पढ़ेंगे फिर आज के लेसन में हमने सूरत अखिलास पढ़ी जी जी इसको तो क्योंकि आज ही पढ़ी है इसकी मैं रिविजन नहीं करा रहा हूँ उम्मीद है कि आप सब लोगों को आ गई होगी ग्रामर में हम आ जाते हैं अब ग्रामर में हमने सबसे पहले जमायर पढ़े और जमायर में हमने पढ़ा कौन से वाले जमायर जो डिटेच्ड होते हैं यानी कि अलग से लिखे जाते हैं शुरू में आते हैं फिर दूसरे जमायर हमने पढ़े थे जो अटैच होते हैं जो आखिर में आते हैं और मिला के इस्तेमाल होते हैं ये अकेले इस्तेमाल होते हैं हुआ वो हम वो सब अंता, आप अना, मैं, अंतुम, आप सब नहनु हम सब और मोन्नसि पढ़ लिया था इसका हमने हिया। वो एक औरत ठीक है चले बोल चाल में हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी फिर उसके बाद मन हुआ वो कौन है हुआ मुस्लिम उन वो एक मुस्लिम है जब हमने जमा की इसकी मन हम पूछा तो इसका जवाब हो गया था मुस्लिम है मुसलमान हूं मन अंतुम आप सब कौन है नाहनो मुस्लिम ठीक है फिर हमने इसको वाह और आ के साथ मिला के प्रैक्टिस करने के लिए आपको होमवर्क दे दिया था कि इन्हीं जमायर को आप प्रैक्टिस कर लें फा माना था पस तो फा हुआ पस वो फा हुम पस वो सब इस तरीके से फा अंता फा अना इस तरह से हो जाएगा या पहुमर था फिर फा के अलावा हमने वा और आ की भी आपको कहा था कि प्रैक्टिस करेंगे आप आ के माना था क्या तो अ अंता क्या आप अ अना क्या मैं ये बोलचाल के लिए आपको प्रैक्टिस होमवर्क दिया हुआ था तो इसकी प्रैक्टिस कर लें उसके बाद हमने अल और तनवीन की बात की थी इसम के बारे में कि अल किताब होगा तो द बुक ठीक है ना एक खास बुक हो गई और किताब जो है अ बुक कोई आम किताब हो गई ठीक है ना तो अल का इस्तेमाल हमने सीख लिया था जब भी अल लगेगा तो ये पेश खत्म हो जाएगी देखिए किताबुन था अल लगाया तो अल किताबू बन गया अब ये दो पेश कम होकर के एक पेश रह गई है बस ये याद रखना है कि ये दो चीज़ें एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं अल और तनवीन एक साथ अगर आएगी अगर किसी अरब ने सुन लिया वो तो हंसेगा कि ये कितना जाहिल है कि एक चीज़ को ख़ास भी कह रहा है और आम भी कर रहा है उसको ठीक है ना कोई एक हैसियत ही हो सकती है किसी की एक वक्त में या तो वो ख़ास होगा या वो आम होगा दोनों नहीं हो सकता चले तो जमा बनाने का फिर एक तरीका हमने ये देखा था कि मुस्लिम इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी जब तब्दीलशुदा फॉर्म आती है मुस्लिम या मुस्लिम तो जमा उसकी तब्दील हो जाती है मगर इन दोनों फॉर्म के लिए सिर्फ़ यानून है इसमें वानून आ रही थी ठीक है ना तो मुस्लिम की जमा क्या हुई मुस्लिमा और मुस्लिम या मुस्लिम अगर होगा तो उसकी जमा होगी मुस्लिमा तो याद रखें ये वाहिद में असली हालत है और ये दोनों तब्दील शुदा आलते हैं इसी तरह जमा में ये असली हालत है तब्दील शुदा आलते ये हैं तो जब आप लिखेंगे अगर हम तोड़ जोड़ के आप वो कहते हैं तो आपने असली हालत में लिखना होगा याद रखें ये वरना आपके नंबर कट सकते हैं इसम की निशानियों की हमने बात कर ली कि अल जब लगेगा वो तो तनवीन नहीं होगा तो इसी तरह वाहिद में देख लें अलमुस्लिमु है और जमा में अलमुसलिमू है ठीक है अगर अल अलमुस्लिमन या मुस्लिम होता तो फिर इसके लिए वाहिद में अलमुस्लिमा या अलमुस्लिमी होगा मगर जमा में दोनों एक ही आ रहे हैं अलमुस्लिम ठीक हो गया फिर सवालिया जुमले बनाने के लिए हमने कहा था कि हल सिद्ध बनाए तो हल हुआ मुस्लिम फिर आ से सवाल किया था अंता मुस्लिम मन के साथ हमने कहा था कौन खबर का पहला सवाल मन रब्बू का माँ का हमने किया था क्या तो खबर का पहला दूसरा सवाल माँ दीनू का ठीक है ना? हल अंता बिखैर क्या तर्जुमा था क्या आप खैरियत से हैं नाम बिखैर अलहमदुल्ल ये हमने वहाँ पर प्रैक्टिस कर ली थी हल अन तुम भी खैर नाम नमदुल्ला फिर ये सवाल जवाब थे हल हुआ मुस्लिम नाम हुआ मुस्लिम ये इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी वाहद और जमा दोनों के साथ हल हम मुस्लिम ऊना नाम हम मुस्लिम ऊना तो जब भी ये हुआ से हम आएगा तो मुस्लिम से मुस्लिम ऊन हो जाएगा याद रखिएगा ये फिर जमायर पे हम आ गए जो अटैच होते हैं वही वाले जमायर जो शुरू में लग रहे थे जब आखिर में लगेंगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और मतलब में का, के, की वगैरह, बल्कि का पोजिशन वाला हो जाता है तो उसी हिसाब से का के की आप चेंज कर सकते हैं उसको जैसे हमने रब के साथ लगाया तो उस का रब मेरा रब आपका रब इस तरह से किताब का कहा तो हमने कहा उसकी किताब ठीक है ना आपकी किताब इस तरीके से प्रैक्टिस हमने कर ली थी इसकी रब के साथ किताब के साथ दीन के साथ और इशारों के साथ की थी रबू हु रब्बु हम रबू का रब्बी रबु कुम और रबु ना लेफ्ट हैंड से रब्बु हा ठीक है फिर इस तरह दीन के साथ की हमने दीन हु दीन हम दीनों का दीनी दिनु कुम दीनु ना और लेफ्ट से दीनो हा ठीक है चले सवाल जवाब में हमने माँ दीनू का जवाब क्या था दीनियल इस्लामू अगर वैसे हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम कहेंगे दीनी अल-इस्लाम फिर मुजक्कर में हमने हुआ से हिया पढ़ लिया था और हा पढ़ लिया था इसम की रेज़ हैंड किया हुआ प्लीज एंड पे हम सवाल कर लेंगे अभी आप क्वेश्चन जो है ना वो होल्ड कर लें मुस्लिम अगर मुजक्कर है तो इससे मोनस बनेगी मुस्लिम तुन ता के ऊपर दो पेश आखिर में एड हो जाती है ये ठीक है ना मुज़क़्कर से मोनस बन जाता है ये मुमिन से मिन तुन साल से सह तुन काफिरुन से काफिर तुन मशरकुन से मुशरक तन ये एक तरीका है मोनस का मगर मोहनस के और भी तरीक़े हैं जो हम आगे जा करके पढ़ेंगे इनशाला तो में हमने जहाँ पे हुआ मुस्लिम कहा था तो हिया मुस्लिमतुन ये देखें जब ये मोनस है तो ये भी मोहनस दोनों आएगी ये नहीं हो सकता कि हुआ मुस्लिमतुन कह दें आप ठीक है जमायर की मुताबिकत ज़रूरी है तो इसी तरह मोमिनत सालतन साबिरतन शाकिरतन उन सब के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी फिर हमने जैसे हुआ से या किया था इसी तरह हु से हा किया था मोन में और उसके लिए हमने कहा था कि अबू बकर आयशत रदी अल्लाह अन हा अन हा इस तरीके से ठीक है और जो हमने ये प्रैक्टिस की हुई थी रब हु के साथ तो रब हा कर ली थी प्रैक्टिस ठीक है ना दीन वा और किताबो हा कर ली थी फिर इसी तरह हमने कहा था किताब कलम सात घड़ी को कहते हैं और जवाल है, इनके साथ हमने प्रैक्टिस आप लोगों को तो कहा था कि कर लें जमा मोनस की बनानी एक तरीका जैसे हमने वहां पे सीखा मुजक्कर में वा नून और नून हो जाती थी यहाँ पे गोल ता को हटा के अलेफ और ता लगा देते हैं ठीक है ना और ये जमा हम सालिम की बात कर रहे हैं अभी दूसरी जमा जो है वो टूटी फूटी उसके तरीके और होते हैं तो जमा सालिम में आप देखें मुस्लिम तुन से क्या बना था मुस्लिम तुन से मुनातन सोलह तुन से सौले हातुन काफिरतुन से काफरातन मुशरक तुन से मुशरकतन अच्छा इसमें भी एक और चीज़ हमने सीख ली थी कि जैसे वहां पे मुस्लिम मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना था मगर मुस्लिम या मुस्लिम आया तो उसकी जमा मुस्लिमा बनी थी तो मुन्नस में भी ऐसा ही है मुस्लिम से मुस्लिम बन रहा है मगर अगर मुस्लिम या मुस्लिम हो गई है ना तो फिर मुस्लिम हो गई ये दोनों सेम हो गए देखें इसमें दोनों में दो जबर के साथ मुन्नस की जमा दो जबर के साथ नहीं आती है ठीक है दो जेर ही रहेंगे उसके या तो दो पेश है या दो जेर हैं बस यही दो फॉर्म है तीसरी फॉर्म नहीं है जैसे वहां पे वानून या यानून दो ही फॉर्म थी तीसरी नहीं थी यहाँ पर भी ऐसा ही है बस इसको याद रख लें आसानी हो जाएगी ये तो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं ये भी प्रैक्टिस कर ली थी अब रूफ के साथ आ जाते हैं रूफ में पहले हमने ला या ली एक ही चीज़ है वो सीखा लिए के लिए मिन और अन मिन से हो गया और अन से बारे में जैसे होता है ठीक है इनकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी हु होम का यी, कुम, और ना के साथ तो किस तरह से की थी हमने लहू लहुम लका लकुम ली बल्कि ऐसे की थी एक तो मेरे साथ कर रहे हैं लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा मुन्नस के लिए लेफ्ट हैंड से लहा ठीक है रेफरेंस हमने अलहमदुल्ला में लामज़र ली रखा था इसका मिन में आउ बिल्ला ही मिन शैतम रेफरेंस था और मिन से प्रैक्टिस हमने की थी मिनहू मिन हु मिनका मिन्नी मिन, 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 मिन कुम मिन ठीक है फिर अन के लिए हमने प्रैक्टिस की थी रेफरेंस था रबी अल्लाह अनहू ठीक है तो अन हु अनहुम अन, अन का अन्नी, अन कुम अन हा ये प्रैक्टिस हो गई तकरीबन पांच हजार अफाज थे हमारे ये उसके बाद फिर हमने तीन और रूफ है ली मिन अन ठीक है ना तो में ये ये सॉरी ये तो पिछले वाले हमने कर लिए थे इसके बाद जो हमने सीखे वो ये वाले थे बिही बिहिम बिका बी बिकोम बिना बी वही बिस्मिल्ला वाला बी साथ अ से ठीक है न तो इसकी प्रैक्टिस कर लें बिही बिहीम बिका बी बिकुम बिना बिहा ठीक हो गया इसी तरह फी इसका मतलब था मे तो फी ही फी फीका फिया फी फीकुम फीना फीहा, ठीक है इसमें सिर्फ याद रखना है फिया दो यारी होती है तो शब्द के साथ फिर जबर आ जाता है इसमें अच्छा माँ के जो दफी के लिए हमने सीखा था एक नहीं वाला उसमें हमने कहा था हल अलही दई क्या उस पर कर्ज है तो जवाब क्या था माँ अलहन नहीं है उस पर कर्ज़ हल अलई हम दई क्या उन सब पर कर्ज है माँ अलहिमदी नहीं है उन सब पर कर्ज तो ये नफ़ी वाला माँ सीख लिया था हमने रूप जर में फिर एक और हर्फ सीखा हमने अला और दो इसम सीखे माँ और इंदा इसकी प्रैक्टिस भी फिर इन्हीं जमायर के साथ की थी इला के लिए हमने रेफरेंस रखा था इन्ना लिल्लाही इन्ना तो ये इला के साथ हु मिला तो बन गया था माँ के लिए रेफरेंस था माँ साबरीन और इंदा के लिए रेफरेंस था कम रियाल इंदक ठीक है ना ठीक। कितने रियाल हैं आपके पास ये प्रैक्टिस हमने इनकी एक हरफेज़र और दो इसम के साथ प्रैक्टिस कर ली थी इसकी भी प्रैक्टिस एक दफ़ा हम कर लेते हैं कि इला मा और इंदा की ही हिम इलाही का इलाया इलाई कम इहीना हा अला और इला में फ़र्क करना है आपने ठीक है फिर माहू माहू माँ का मई या माई या दोनों मैंने कहा था जी ठीक है इसका और आ, उसके बाद फिर इन हाँ माहा भी हो गया इंदा के साथ प्रैक्टिस कर ले इंद हु इंद हु इंद क इंदी इंद कुम इंद न इंद हा ठीक हो गया फिर हमने रूफ जर के बारे में बात पढ़ी थी चार चीज़ें पढ़ी थी कि हर जबान का हर फिजर अलग होता है जैसे आमंतु बिल्लाई में पर तर्जुमा हो गया इंग्लिश में इन हो गया दूसरी बात पड़ी थी कि अर्फ जर के बदलने से मान तब्दील हो जाते हैं जैसे सलिल रबे का मैं नमाज पढ़ता सल आला में रहमत भेज इंग्लिश में भी हम ऐसी पढ़ चुके हैं कि गेट इन और गेट अप का फर्क इसी तरह होता है अलग अलग इशारे के अल्फाज हमने सीखे थे इसकी प्रैक्टिस कर लें हाजा ये हाउलाई ये सब जाली वो डायगोनल मैंने कहा था ना कि इस तरह से हाथ रखना है उलाई का वो सब और मोनस के लिए हाजी ही और हाँ उलाई वही रहेगा ठीक है फिर तिलका और उलाई का याद है ना ये हमने प्रैक्टिस उस दिन कर ली थी तो ये ये सब वो वो सब मुजक्कर और मोन्नस के लिए अब हमें अलहमद आता है फिर हम फेल में आ गए फेल में हमने कहा कि माध्य के तीन रूफ होते हैं उससे फेल बनते हैं वर्ब फेल की तीन किस्में हम पढ़ रहे हैं एक फेल माजी उसके बाद इन पढ़ेंगे फेल मुज़ारे और एक फिर पढ़ेंगे फेल अमर तो अभी फेल माजी ही चल रहा है सिर्फ और फेल माजी के दो वजन हम पढ़ चुके हैं एक फ़ाला का वजन है और एक फाइला का वजन है ठीक है ना जेर के साथ है दो वजन अभी तक हमने पढ़े फेल माजी के और इसमें फाला की प्रैक्टिस आज ही हमने कर ली थी फताह पिछले हफ्ते कर ली थी जाला पिछले हफ्ते कर ली थी इसमें तो कोई नई चीज नहीं है पिछले हफ्ते हमने नसारा, खलाका की प्रैक्टिस की थी और आबादा जककरा आपको होमवर्क दिया था बिल्कुल फाला के वजन पे ही फेल माजी सबका चलता रहता है फिर हमने प्रैक्टिस की एक मफूल के साथ ऑब्जेक्ट के साथ जैदन और जैदन का फर्क समझा आज भी प्रैक्टिस कर ली उसकी हमने फिर आज प्रैक्टिस की हमने दराबा ये पिछले ही वजन पे था मगर आज नया वजन फेल मादी का हमने सीखा समिया अलीमा और अमीला इसकी भी प्रैक्टिस कर ली हमने आज और कुछ मैंने आपको होमवर्क दे दिया है इनशाला आप करेंगे तो ठीक हो जाएगा अब मैं क्विकली बस त, पांच मिनट के अंदर दो चीजें बता देता हूँ सवाल जो मिड क्विज के अंदर आएंगे आपको उसमें से एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि अल्फाज के जब टुकड़े करके हम पूछते हैं अलग अलग के कितने अल्फाज हुए तो अब जैसे मिसाल तौर तो पर देखें यहाँ पे पहला पहली मिसाल है मन फाला हाजा मन फाला हाजा मन फाला हाजा ये लिखा हुआ भी तीन अलग अलग है और टुकड़े भी करेंगे तो तीन अलग अलग हो जाएंगे ये तो मन फाला हाजा मैं पूछूं आपसे मन फाला हाजा में कितने आ रहे हैं तो आप बताएंगे तीन लफ्ज आ रहे हैं ठीक है ना मन हाजा। जब इनको तोड़ते हैं तो इनको फिर असली हालत में लिखते हैं ये भी अभी आप आगे आएंगे तो देख लीजिएगा मिला करके तो हालत तब्दील हो सकती है मगर तोड़ के असली हालत में लिखना होगा तो ये किसने किया तर्जुमा होगी ये तो सबसे आसान वाला था अब जरा थोड़ा सा और आगे आते हैं वाह फालता वाह अलग होगी और फालता एक ही है इसको नहीं तोड़ेंगे आप फालता आपने पढ़ा है कि आपने किया तो और आपने किया ये भी दो लज हो गए अब देखते हैं मन में मि, मिर रब भी हाँ अब देखिए यहां पे मिला के आया तो कुछ तब्दीली आई है इसको तोड़ेंगे तो असली हालत में बनाना है आपने तो ये मिन है मिन तो वही रहा से रब बन गया अब रब्बी नहीं रहा ये का वही है जमीर जो आपने पढ़ी हुई है ठीक है तो मन रब्बू का आपके रब से आफ्टर फाइव है तो uh, मिर रब्बी का मिन रब्बन का मिर रब्बी का में कितने अल्फाज आ रहे हैं तीन आ रहे हैं तीन आ रहे हैं देखें मिन अलग है रब्बन अलग है और का अलग है ठीक है ना ये ये समझने की जरूरत है और जब तोड़ेंगे असली हालत में लिखेंगे इसको फिर इसी तरह फी दी नहीं में फी दी नहीं में कितने अल्फाज आ रहे हैं तीन आ रहे हैं कैसे पता चलेगा फी तो एक हरफ हो गया दी न और होम एक जमीर लगी हुई है इसके साथ तो ये तीन अल्फाज हो गए अल्फाज हम पढ़ चुके हैं लफ्ज की तीन किस्में होती हैं इसमें है या यह फेल है या हर्फ है तो इसके अंदर क्या आ रहा है ये हर्फ आ गया ये इसम है और ये जो जमीर होता है प्रोनाउन ये भी इसम होता है तो ये दोनों इसम हो गए ठीक है उनके दीन में उसके बाद है अल्लाह मायना कितने कितने अल्फाज हैं इसमें अगेन तीन है अल्लाह और मा और ना ठीक है ना अल्लाह हमारे साथ है तो ये मैंने आपको बता दिया अब बस ये फाइनल जो ग्रेडिंग होगी उसके लिए नोट कर लें कि होमवर्क के 15 परसेंट मार्क्स हैं जिन लोगों ने होमवर्क जमा कराए हैं जितने मार्क्स लिए हैं ओवरऑल उनकी ग्रेडिंग होगी पंद्रह नंबर में से किसी के तेरह होंगे किसी के चौदह होंगे होमवर्क ऐसे ही होते हैं इससे कम तो होता नहीं है तो इनशाला उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह अपने होमवर्क करते रहेंगे जिस तरह से कर रहे हैं तो फिफ्टीन परसेंट में से लोग ले लेते हैं इसके वर्कबुक के भी 15 नंबर है जिस तरह मैंने बता दिया कि वर्कबुक आपने एक दफ़ा मिड में चेक करानी है और एक दफ़ा एंड पे चेक करानी है तो अग, अभी एक हफ्ता और मजीद बाकी है अगले संडे तक जिन जो लोग पिंडी इस्लामाबाद रीजन में है वो तो यहाँ आई सी से इसको चेक करा लें या जो असिस्टेंट टीचर है हमारे साथ नासिर महमूद आलम साहब उनको डायरेक्ट दे करके उनसे चेक करा सकते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है अगर किसी को चाहिए हो दोबारा मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें और मुझसे या अपनी लेडी टीचर जो हैं उनसे ले लें नासिर साहब का नंबर तो पिंडीर इस्लामाबाद रीजन वालों ने दो दफ़ा वर्क बुक चेक करानी है एक दफ़ा मिड में एक दफ़ा एंड पे बाकी जो दूर वाले लोग हैं उनको हमने एग्जाम कर दिया है मिड में नहीं चेक कराए मगर एंड पे ज़रूर चेक करानी है साथ साथ करते रहें उसको क्योंकि पंद्रह नंबर हैं आपको फाइनल ग्रेडिंग में 15 परसेंट मार्क्स हैं वर्क बुक के मिड टर्म क्विज जो अभी इंशाल्लाह अगले संडे को होगा 30 परसेंट मार्क्स हैं उसके फाइनल क्विज जो होगा फोर्टीन परसेंट मार्क्स हैं उसके इंशाल्लाह और फिर सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन 90 परसेंट अबब वालों के लिए और आधी से ज़्यादा क्लास जो है ना वो बड़े आराम से डिस्टिंक्शन के साथ कर लेती है कोर्स मैं बता दूँ आपको क्योंकि पेपर हम इतना आसान बनाते हैं फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो सब लोग ले लेंगे अभी बता देता हूँ आपको मिड क्विज में फिफ्टी परसेंट से नीचे किसी के मार्क्स नहीं आएंगे पेपर क्योंकि हम इतना आसान बनाते हैं इसी तरह फाइनल क्विज है तो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट जो है कोई सेवेंटी से एट्टी क्लासरूम वालों के लिए जो ऑनलाइन करते हैं उनके लिए फिर एट्टी टू 90 वाली फिगर होती है यहाँ पे फिर कंप्लीशन वाले जो हैं वो सेवेंटी टू 80 होते हैं क्योंकि तो इस कोर्स में ऑनलाइन ज्यादा लोग हैं इसलिए उनके लिए परसेंटेज ये होगी और अटेंडेंस जिनकी पूरी होती है या 50 परसेंट अटेंडेंस 50 परसेंट होमवर्क वगैरह उन्होंने किए हुए हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो हम ज़रूर दे, दे देते हैं तो इसलिए जिसने भी इस कोर्स में रजिस्टर करा लिया और वो रेगुलर है तो इनशाला भले वो वर्क बुक भी नहीं की होमवर्क नहीं की उसको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो ज़रूर ही मिल जाएगा ये मैं अभी बता दूँ आपको बस आपने रेगुलर होना है इनशाला तो अलहमदिल्ला यहाँ पे ये रिवीजन ख़त्म हो गया एक छोटी सी चीज़ रह गई थी मैं बताता हूँ उस दिन मैंने बताई थी जो एक सवाल आता है पहचान वाला आ, वो सवाल ये होता है कि आपने कोई तीन हम आपको अल्फाज दे, दे देते हैं जिसमें से आपने पहचानना होता है दो एक जैसे एक अलग है तो उसमें हमेशा कंडीशन जो दी हुई है पहले उसको देखा करें अगर लिखा हुआ है कि इसम फेल हर्फ के अतबार से तो सबसे पहले इसम फेल हर्फ के अतबार से पहचानेंगे कौन से दो हैं एक जैसे और एक ऑड वन आउट है उसको आप सर्कल कर दें उसके बाद दूसरी कंडीशन अगर दी हुई है कि मुजक्कर मोनस के हिसाब से अलग अलग करें या जमा वाहिद के हिसाब से अलग अलग करें तो फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई करें अगर फर्ज करें पहले तीनों इसम हो गए तीनों फेल हो गए तो अब जो है आपने सेकंड कंडीशन पे आ जाना है फिर आप थर्ड कंडीशन पे आएंगे ये जहन में रखना है कि कंडीशन जो है वन बाई वन करके अप्लाई करनी है आपने आखिर में अल्लाह तला से दुआ कर लें कि अल्लाह तलान करीम को समझ पढ़ने समझने अमल करने गौर करने याद करने फैलाने की तोफ़ी अता करे दुआ कर लें सुबह नकल्ला अभी हमदिख नशद इलाक़िर व नतुबो अलाई एक हफ़्ता अभी बहुत अच्छी तैयारी करें आप लोग आ, क्लास यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी जो लोग आ, जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं जिनके सवाल हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ जजाकमल्ला ख़ैरा अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लें वरना बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे भी रहा कर सकते हैं ऑनलाइन वालों के सवाल अभी मैं देख लूं पहले जी किसी का कोई सवाल है प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके और सवाल पूछ सकते हैं आप लोग अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा सवाल यह है कि फेल माजी में आपने दो कंडीशंस बताई या तो तीनों सकते हैं अच्छा देखे जो फेल है न अगर आप उस फेल को पहचानती है तो उसी तरह से बोल चाल में वो इस्तेमाल हो जाएगा आपने खुद तो नहीं लगानी है ना वो तो अरबो ने जिस तरह से बोला है उसको जैसे अरबों ने दराबा में तीनों में जबर लगाई और समे में दरमियान में एक जेर लगा दी ये तो अरबों ने जैसे बोला है हम तो वो सीख रहे हैं तो उस फेल को आप पहचाने कि असली हालत इसकी क्या है उस फ़ेल की अरबों ने कैसे इस्तेमाल किया है अब उसके मुख्तलिफ सीखे चेंज होते रहेंगे जमा में दरबा से दरबू बन गया या नसारा कर लेते हैं चले उसने मदद की या फता उसने खोला कर ली तो फताह से जमा में वो फताहू बन जाएगा अब समय जो था या अलीमा जो था वो जमा में भी फिर वो समेऊ बनेगा अली मु बनेगा इसी तरह आ, फाला से जब आपने फालता किया था तो समया से समेता हो जाएगा तो फेल की जो पहले दोनों हरूफ की हरकत हैं वो तो उसी तरह रहेंगी ठीक है ना आखिर में चेंज आ रही है वो सीधा कौन सा है उसके मुताबिक चेंज आ रही है बस ये बात है ठीक हो गया अगर सवाल क्लियर हो गया तो नेक्स्ट किसका सवाल है वो पूछ लें और किसी का कोई सवाल है अस्सलाम जी बेटा जल्दी से पूछें क्या सवाल है आपका सिर्फ सलाम करना था चलें अच्छी बात है सर मैंने पूछना था कि सर हमने लेसन नंबर सेवन और एट मिस किया था तो आप उसका होमवर्क और वो अभी हम सबमिट करा सकते हैं बेटा देखें जो जो लेसन आपने मिस किया था वो तो यूट्यूब चैनल पे हमारे अभी भी मौजूद है उसी तरीके से आप उसको पूरा सुन लें वर्कबुक के अंदर जो उसका आ, लेसन की जो असाइनमेंट दी हुई है वो आप कर लें ठीक है किसी के कोई इस तरह के होमवर्क अगर रह गए हैं तो एंड पे फिर हम देखेंगे कोई तरीका अगर हो सकता है अभी कोर्स के दौरान तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक हफ्ता पूरा हम देते हैं उस पूरे एक हफ्ते में भी अगर आप नहीं कर सकें तो फिर तो ज्यादी वाली बात है ना ये ठीक है चले और किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो हम फिर आ, सेशन खत्म कर लेते हैं दुआ एक दफा फिर कर लें सुबह नकल्लाक नशद नस्तरुका व नतूब इलाइक जजाक खैरा बहुत अच्छी तैयारी करें और बहुत अच्छे मार्क्स लें आप लोग अगले हफ्ते इनशाला मिड क्विज और एक लेसन पढ़ेंगे हम लेसन पढ़ें। नंबर ट्वेल्व और मिड क्विज जो है वो उसका टाइम वही होगा ऑनलाइन उसी वक्त करना होगा बाद में नहीं कर सकते हैं बाद में होमवर्क हो जाता है क्विज उसी वक्त देना होता है इसको नोट कर लें जाकुम खैरा